गुड मॉर्निंग एवरी वन प्लीज़ कन्फर्म एम आई ऑडिबल टू एवरी वन आवाज़ आ रही है स्क्रीन दिख रही है आपको प्लीज़ कन्फर्म येस प्लीज़ कन्फर्म एम आई ऑडिबल विजिबल वेलकम टू द सेशन जस्ट राइट टू येस इन द चैट बॉक्स गुड मॉर्निंग थो युबा ओके थैंक्स फॉर द कन्फर्मेशन तो यस बच्चों थैंक्स यू सोनल थैंक्स आनी ओके चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सोनल वेलकम टू द सेशन ओके सो यस आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द माइक्रोबियल ग्रोथ ठीक है आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स ग्रो कैसे करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करने वाले हैं प्लस हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे डिस्कस करने वाले हैं आज ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ काइनेटिक्स भी की भी बात करेंगे हम लोग की ग्रोथ काइनेटिक्स एक्जैक्टली क्या होता है ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो होते हैं कैसे मल्टीप्लाई होते हैं बिकॉज आपके गेट के एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं ओके okay? आपको एनेटिव वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना आपको यहाँ पे आंसर्स टाइप करने पड़ते हैं तो आपको ऐसे आंसर्स कैसे निकालने हैं एकदम शॉर्टकट कुछ मेथड्स है मेरे पास वो आप, आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाली ठीक है क्वेश्चन को बहुत बड़ा दिखता है वो पूरी जन्म गाथा बताएंगे उसकी बैक्टीरिया यहाँ आता फिर आपने उसको इस मीडिया में डाला फिर ऐसा किया वैसा किया ये हुआ वो हुआ बट उसका आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है सिर्फ कुछ फॉर्मुलेज है पूरे टॉपिक में आपको हार्डली तीन से चार फार्मूलाज याद रखने हैं बस उस फार्मूला के बेसिस पे भी आप लोग सारे आंसर यहाँ से निकाल लोगे एंड वो फार्मूला आप डिराइव कैसे करते हैं हम लोग उसकी भी बात करेंगे आज ठीक है तो हाउ टू डिराइव द तो फॉर्मूला ताकि आपको हमेशा लर्न ना करना पड़े आप बस थोड़ा सा लाइक यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वहाँ से कैसे कैसे टाइप के क्या गिवन है क्या आपको फाइंड आउट करने सारी चीज़ें आप लोगों को समझ जाएगी ठीक है गुड मॉर्निंग वैश्यू गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन क्विकली शेयर कर लो जल्दी जल्दी से ताकि सारे आ जाए फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं काफ़ी लोग कल शाम के सेशन में भी थे डाइवर्सिटी वाले सेशन में आई थिंक आज आज शाम को भी आप सारे लोग बने रहोगे शाम को भी हम लोग सेशन लेने वाले हैं आज हम प्रोटेस्टा की बात करेंगे ठीक है आज हम प्रोटेस्ट की बात करने वाले हैं गुड मॉर्निंग श्वेता गुड मॉर्निंग अनूप ठीक है सो यस सो हम लोगों ने कल बात किया था गुड मॉर्निंग बंसी ओके सो हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कल के सेशन में कल ग्यारह बजे हमने क्या डिस्कस किया था बच्चा कल मैंने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था फ्लाजोला क्या होता है फिमरी क्या होता है पिला क्या होता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और ट्यूक्ल न्यूक्लियोइड राइबोसोम्स इन सब की बात हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन क्या कराता है और आपको वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे तो अगर आपने पुराने गेट के सेशंस देखे नहीं तो प्लीज़ गो एंड वॉच आपको एक लिस्ट मिल जाएगी पूरी इसी चैनल पर मिलने वाली है आपको वो लिस्ट आप लिस्ट जाके चेक कर सकते हो वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसमें हमने वायरस पढ़ा था बैक्टीरिया पढ़ा था देन हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है सेशन हमारा ट्यूजडे से स्टार्ट हुआ था ठीक है सो फ्रॉम ट्यूजडे हमने सेशन स्टार्ट किया था एंड so आप लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के आप लोगों के लिए माइक्रो के सेशन नेक्स्ट वीक में भी कंडक्ट किए जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक और हफ्ते पढ़ाने वाली हूँ पूरा डिटेल में मिलेंगे वे वे हम ग्यारह बजे मेटाबॉलिज्म करेंगे ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द माइक्रोर्गेजम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोज ग्यारह बजे निकाल के रखो बिल्कुल टाइम क्योंकि आपको यहाँ से बहुत जरूरी क्वेश्चन मिलने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा लगता होगा कि यार बोर हो रहा है कितने बैक्टीरिया पड़ेंगे बट नहीं हम जो इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है आप पूरा मान लो कभी नहीं पढ़ते हो आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमें लगता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम आपको वही टारगेट बेस्ड उतनी स्टडी हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे ओके गुड मॉर्निंग वर्षा वेलकम टू द सेशन बच्चा ठीक है तो चलो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में ठीक है हम बात करेंगे माइक्रोब्स एक्जैक्टली ग्रो किस तरीके से होते हैं तो हम ये नहीं बात करेंगे कि, कि उनका साइज इंक्रीज हो रहा है साइज तो बढ़ता ही है ऑर्गेनिज्म का वो तो बढ़ेगा ही बट हम जो बात करेंगे गुड मॉर्निंग रवि अगर हम जो हम चीज बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly वो मल्टीप्लाई किस तरीके से होते हैं आपके एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बन रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे गुड मॉर्निंग आयुष वेलकम टू द सेशन ठीक है सो हम लोग वो बातें डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है और वो न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च की गई है गेट 2023 ठीक है आपके एग्जाम है नेक्स्ट ईयर गुड मॉर्निंग की वंदती गुड मॉर्निंग विशाल ओके वेलकम टू द सेशन एवरी वन येस आप लोगों के लिए एक बिल्कुल न्यू बैच आ रही है गेट 2023 जिसमें आपको तीनों पढ़ा जाएगा बायोटेक भी है लाइफ साइंस भी है इकोलॉजी इवोल्यूशन का भी है एंड द प्राइस इज ओनली रुपीज इलेवन थाउजेंड ठीक है तो आप लोग जल्दी से एनरोल कर लो इस बात में बात आपका बिल्कुल एक अगस्त से शुरू होने वाला है मंडे से तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि सारे एनरोल कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको सारा थियरी कवर करा जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्योंकि गेट एग्जाम आपको पता है कि आपको एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं तो कैसे अप्रोच करना है नेगेटिव मार्किंग्स कहाँ कर सकते हो कहाँ आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो सारे डिस्कशन हम लोग इन ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं आप लोगों को ठीक है so, सो आई होप आप सारे लोग सेशन को ज्वाइन करोगे हम लोग यहाँ पे इस बात में भी मिलेंगे फिर ठीक है गुड मॉर्निंग अंजलि ओके सो यस लेट स्टार्ट द सेशन दें चलो आ गए हैं काफी बच्चे तो यस अगर हम बात करते हैं बट माइक्रोबियल ग्रोथ ठीक है अगर हम बात करें माइक्रोब्रेड ग्रोथ की तो हम ये नहीं देखेंगे कि उनका साइज बढ़ रहा है अगर हम किसी स्मॉल किड की बात करते हैं बच्चों की अगर हम बात करते तो दे ग्रो इन साइज है ना उनके फिंगर्स स्मॉल रहते फिंगर्स ग्रो होते हैं हेड सारे ऑर्गन वो सारे जगह डेवलप होते हैं दे ग्रो बेसिकली बट अगर हम बात करते हैं आपके बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है हम अगर बात कर रहे हैं ग्रोथ की तो हम यहाँ पे सेल नंबर की बात करते हैं ना कि सेल साइज की बात करते हैं ठीक है बैक्टीरिया का जो सेल साइज रहता है वो कांस्टेंट रहता है अगर इकोला e. है, उसका है तो ही वो उससे कम ज्यादा नहीं हो, हो सकता है बस कि, हमने, उसका कर दिया हो, अगर उसको हमने बहुत ही ऐसे मीडिया में रखा जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से ना हो तो हो सकता है उनका ग्रोथ जो रहेगा वो काफी स्लो हो जाए या फिर उनका जो भी शेप है सेल का वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाए ठीक है गुड मॉर्निंग संजय गुड मॉर्निंग फातिमा वेलकम टू सेशन ठीक है तो वैसे केस में क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया का थोड़ा सा चेंज हो सकता है आप लोगों ने अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी का बच्चा होगा यहाँ पे तुमको तो एक चीज पता होगी कि आप जब तो ग्राम स्ट्रेनिंग करते हो तो आप सेल का शेप देख लेते हो उसमें रॉड शेप्ड है कोका शेप्ड है क्या शेप है अगर आपने इकोलाई पिक किया हो एक फ्रेश मीडिया से और अगर इकोला ऐसा लिया हो जो दो दो महीने पहले हमने उसको स्टिक करके रखा था फ्रिज के अंदर तो दोनों ही आपको इकोला थोड़े से अलग दिखेंगे रहेगा सेम इकोला सेम स्ट्रेन रहेगा बट उनका मीडिया जो था वो अलग था एक जो बैक्टीरिया रहा है वो रहा है स्टार्विंग कंडीशन में रहा होगा और एक जो रहा होगा इट इज फुल्ली ग्रोन बिकॉज मीडिया हमने कल ही बनाया था तो ऐसे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं तो आपका जो भी साइज रहता है सेल साइज की हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं हम हमेशा बात करते हैं अबाउट द सेल नंबर की आपका सेल नंबर एक से दो होता है चार होता है कैसे कैसे होता है हम लोग यूजअली उसी की बात करते हैं ठीक है न्यूमेरिकल्स भी है बच्चों बहुत सारे जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट अभी गेट एग्जाम में प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन ठीक है उसके बाद में बैक्टीरिया जो रहता है ये ग्रो होता है डिवाइड होता है बाय अ मेकेजम कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन ठीक है वॉट इज बाइनरी फिजन जो लोग ने कल शाम का सेशन अटेंड किया होगा पांच बजे उनको पता है बाइनरी फिजन क्या होता है वॉट इज बाइनरी फिजन ओके पदमजा हाँ बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चा फिजन मतलब क्या होता है वॉट इज फिजन किवंदती इसके बारे में हम लोग आज तो नहीं पढ़ने वाले हैं बट आपका जो वायरस टॉपिक आएगा ना बच्चा तब मैं आपको ये साइकिल्स भी करा दूंगी लाइटिक साइकिल क्या होता है जिसमें होस्ट की डेथ होती है लाइसोजेनिक में वायरस किल नहीं करता है बट वो होस्ट के डीएनए में खुद को जाके इंटीग्रेट करा देता है ठीक है सो आज के सेशन में तो वायरस नहीं पढ़ने वाले हैं हम आज से बैक्टीरिया पे फोकस करेंगे बैक्टीरिया का ग्रोथ हम आज स्टडी करेंगे ठीक है ओके okay, ठीक है प्रीति जैसे ना सोनल यस ये लोग सही बता रहे हो विजन का मतलब क्या होता है डिवाइड हो जाना है ना एक वर्ड होता है एक ओके अनूप हाउ टू स्कोर तो बच्चा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बहुत सारी तैयारी करनी है उसके लिए आपको हर कॉन्सेप्ट आपको हर नाम पता होना चाहिए और बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग कुछ आंसर्स थोड़े हिंट से भी लगा सकते हो क्वेश्चंस दिखते हैं बहुत बड़े होते हैं बट कभी कभी वो बहुत सिंपल रहते हैं वो ठीक है तो संजू आप पे लाइव क्लासेस गेट की एक अगस्त से स्टार्ट होने वाली है तो आपको एक अगस्त से न्यू बैच मिल रही है आपको मैंने बताया सेशन की शुरुआत में तो आप लोग तो वो ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे सारे ठीक है आपको स्कोर कैसे करना है फुल स्कोर करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है आपको बहुत प्रैक्टिस करने है हर टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए सॉल्व करना कि आपका न्यूमेरिकल है तो कैसे करना है अगर थियोरटिकल है तो कैसे करना है मैच द पेयर्स वो सारी चीज़ें ओके प्रीति करंट अफेयर्स पे सेशन चाहिए बच्चा ठीक है हम ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए वो सेशन भी लेके आने का ठीक है नो वरीज चलो सो येस आप लोग ने बताया है काफ़ी बच्चों ने लिखा है वहाँ पे एडिशन लिखा है मिक्सचर लिखा है एड होते हैं वहाँ पे इन केस ऑफ फ्यूजन ठीक है गुड वॉट एग्जैक्टली तो ये बस ई एस आर के बारे में क्या जानना है आपको

दो सेल्स हमेशा फॉर्म होते हैं फिर इससे होगा और डिविजन इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो इससे आपके और चार सेल्स इस इस तरीके से फॉर्म होंगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन शुरुआत में क्या होता है क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है दो क्रोमोसोम बन जाते हैं सेल वॉल में एक कर्व आता है वहां पे प्रेजेंट होता है उसके बाद में आपका सेल कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी ठीक है ओके अगर आप सी नेट की न्यू बैच की बात कर रहे हैं बच्चा तो ऑफलाइन की बैच तो बिल्कुल मंडे से स्टार्ट हो रही है एक न्यू बैच आई है फर्स्ट ऑगस्ट से शुरू होने वाला है और एक और आपकी जो ऑनलाइन बैच है वो एट्थ ऑगस्ट से है आठ अगस्त से आपकी ऑनलाइन की न्यू बात शुरू हो रही है सी एस आर नेट की उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन की तो ऑफलाइन की तो कुछ बातें चल रही है अभी भी और आपकी ऑफलाइन की एक और बात स्टार्ट होने वाली है अगस्त में आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस बच्चों बहुत मजा आता है ऑफलाइन सेशन में ठीक है ऑनलाइन में कैसे हम इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते ऑफलाइन में हम बिल्कुल बैठ के डिस्कशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं आपको कुछ भी डाउट रहता है तो हम लाइब्रेरी में आके बैठते हैं आप लोगों के साथ में आपके सारे डाउट्स क्लियर कराया जाते है तो ऑनलाइन इज वेरी मच फन एंड यहाँ पे इतने बच्चे होते हैं प्रिपेयर करने वाले कि वो आपस में बैठ के इतना अच्छा डिस्कशन कर लेते हैं सारे टॉपिक्स का कि ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है सो ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन आर वेरी गुड आई सजेस्ट इफ इट्स पॉसिबल डू कम एंड ज्वाइनस इन द ऑफलाइन सेशन ऑनलाइन में भी पढ़ाई होती है बट लाइक आप घर पे होते हो कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बट ऑफलाइन में हम ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो सेशन में सारा फोकस ब्लैक बोर्ड पर रहे ठीक है एंड सर एग्जाम डेट मुझे कन्फर्म नहीं पता अब तक कुछ आता है अपडेट तो मैं आपको जरूर बता दूंगी ठीक है चल तो दिस इज़ योर बाइनरी वाइनेरिकेशन से हमारा बैक्टीरिया जो रहता है वो ग्रो होता है इट इज़ अ वेरी रैपिड एंड अ सिंपल प्रोसेस ठीक है चिरंजीत सेंटर जो है आ, ओके सेंटर एक जोधपुर में भी है और पुणे में है पुणे में है जोधपुर में है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे हमारे वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो एग्जैक्ट एड्रेस लोकेशन सारा मिल जाएगा करंटली so, एक बैच मतलब एक क्लासेस चल रहे हैं पुणे में और एक चल रहा है जोधपुर में डेफिनेटली थोड़ी सकते हो मणिपुर से बिल्कुल आ सकते हो सेशन के लिए यहाँ पे ठीक है? So, yes, process, बहुत होता है उसके बाद में वो काफी ओके तो बेचा वेस्ट बंगाल वाले भी आ सकते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं ठीक है आप सारे मोस्ट वेलकम टू ऑफलाइन बैचेस बहुत मजा आएगी ठीक है डेली अच्छा चलो चलो अभी हो गया बहुत हमने सिटीज के नाम देख लिए स्टेट के नाम देख लिए अब हम सब इंडिया से हैं है ना वी ऑल वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया सो यस अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ ठीक है आपके माइक्रोव जो रहते हैं वो ग्रोथ तो हो रहे हैं बट आप लोग मीडिया में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हो जो उनके ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है है ना जो उनके ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है हम मीडिया में ऐड करते हैं सपोज कि अगर आपने बेसल मीडिया लिया है बेसल मीडिया में क्या हो जाएगा तो यहाँ पे सारे बेसिक चीज़ें प्रेजेंट रहती है कार्बन सोर्स रहेगा का, नाइट्रोजन सोर्स रहेगा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सारा फुलफिल हो जाता है लाइक द दाल राइस दाल चावल खा के भी पेट भर जाता है बट अगर आपकी कुछ अलग डिमांड है तो उस टाइम में हम यूज करते हैं कुछ एनरिचमेंट मीडिया यूज करते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो और फास्ट तरीके से ग्रो हो सके जैसे अगर एग्जाम आपका मन करके कर तो आपने बिरयानी बना ली अपने चावल का बिरयानी बनाया है ना कि आपने उसको रैंडम लिखाया है तो दोनों कंडीशन हो सकती है तो उनकी स्पेसिफिक कुछ ग्रोथ होती है उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि उनको यही सोर्स चाहिए रहेगा का कार्बन के लिए ये चाहिए होता है फॉर नाइट्रोजन उनको सारी चीज़ें जो है ये चाहिए होती है आप जब भी मीडिया बनाते हो बच्चों क्लास पे तो हम एक चीज़ हमेशा देखते हैं कि मीडिया का कॉम्पोनेंट्स आप लोग पढ़ते हो है ना आप कॉम्पोनेट पढ़ते हो उसमें क्या दिया उसमें दिया रहता है पूरा कि पेप्टोन है या नहीं है नाइट्रोजन के लिए क्या यूज किया है सोडियम बाइकार्बोनेट है वहां पे ये वाली चीज प्रेजेंट है तो हम वो सारा पढ़ते हैं उसके बाद में मीडिया जो रहता है वो डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज कभी कभी कुछ मीडिया में कुछ चीजें आप ऐड नहीं करते उसको हम आफ्टर ऑटोक्लेव भी ऐड करते ताकि वो ऑटोक्लेव में जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए ओके okay, ओके okay. श्वेता गुड मॉर्निंग अनंतरम वेलकम टू द सेशन ठीक है तो हाँ, पहले हम बात करते हैं कि उनके उनके क्या क्या है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे उनका क्या होता है। अब आप जो लैब में परफॉर्म करते हो आपके कॉलेज टाइम में हमेशा होता है 37 डिग्री सेल्सियस है ना हम इंक्यूबेटर यूज करते हैं वहां हम हमेशा रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस और इस पे ही आपके ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्रो हो जाते हैं आपको ये पता होगा कि माइक्रोब्स वहां प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा वहां पे भी आपका बैक्टीरिया फंजाई वगैरह स्पीशीज ग्रो हो सकते हैं ऐसा क्यों बिकॉज उनके पास रोता है हाई टॉलरेंस रेंज होता है ठीक है दे हैव अ वेरी हाई टॉलरेंस रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द साइक्रोफाइल्स ठीक है उनको हम लूजली क्लासीफाई करते हैं टेम्परेचर भी कल हमने पढ़ा था ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हाउ दे रिप्रोड्यूस शेप साइज तो ये भी क्राइटेरिया होता है कभी कभी हम इस बेसिस पे ऑर्गैन को क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है साइक्रोफाइल्स इसका मतलब क्या होता है दे आर द कोल्ड लविंग बैक्टीरिया ठीक है ये होते हैं हमके कोल्ड लविंग बैक्टीरिया होते हैं एंड दे ग्रो एट जीरो डिग्री सेल्सियस ये बहुत ठंड में ग्रो होंगे साइक्रोफाइल्स ठीक है तो मुझे बताओ क्या हमें साइक्रोफाइल्स इन्फेक्ट कर सकते हैं हमें साइक्रोफाइल्स से इन्फेक्शन हो सकता है गुड मॉर्निंग अनिल साइक्रोफाइल्स में इन्फेक्शन हो सकता है कभी यस और नो क्या इज इट इज दैट अ पैथोजन साइक्रोफाइल्स क्या हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं क्या लगता है आपको नो ओके किंग नो ठीक है नो आई थिंक नो ओके थोईबा ठीक है ग्रेट तो यस yes, बच्चा इनको कुछ नहीं कर सकते हैं इनका टेम्परेचर क्या है जीरो है हमारी बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी में ठीक है दे हैव अ टेम्परेचर रेंज टॉलरेंस ऑफ जीरो पे रख दिया तो वो फिर ग्रो नहीं हो पाएंगे ठीक है बिकॉज उनके लिए काफी हाई है एनजाइम्स डी नेचर हो जाए उनके एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाए बिकॉज आपको पता है ना एंजाइम्स का एक पर्टिकुलर हम ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे दे हैव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पे वो काम कर सकता है अगर सपोज ये फोर्टी पे काम कर सकता है हाइएस्ट तो अगर आपने उसको जीरो डिग्री पे रख दिया तो क्या हो जाएगा वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा हो सकता है किसी का ग्राफ कुछ ऐसे बनता हो जो बिल्कुल जीरो पे काम करता हो बट उसको आप 40 पे लेके आओगे तो उसकी जो भी रहेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक है यशा आपके साइक्रोफाइल्स नहीं करेंगे बच्चा साइक्रोट्रॉप्स कर सकते हैं फूड स्पॉइल ठीक है ये बहुत रेयरली करते हैं रेयरली दिस इज वेरी रेयर केस ठीक है इट एक्चुअली संजू वो चेंज होता है बच्चा बैच के हिसाब से कंफर्म टाइम नहीं है ऐसा डिपेंड्स आपकी बैच कौन सी है कौन से प्लान किया गया उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग आपका टाइमिंग जो है वो रहता है आप एप्लीकेशन पे जाके आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे वेबसाइट पे जाके ठीक है टाइमिंग्स एंड ऑल की तो यस दे वर्क एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली तो आपके जो साइक्रोड्रॉफ्स होते हैं साइक्रोफाइल्स जो हो रहे हैं ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर रहना प्रेफर करते हैं एंड दैट्स वाई दे के नॉट इन्फेक्ट अस बिकॉज वी हैव अ टेम्परेचर ऑफ थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इन अवर बॉडी ठीक है आते हैं आपके सा हम बात करते हैं साइक्रो साइक्रोफाइल्स की, तो ये सेंसिटिव रहते हैं अब्सियस अगर आप इनको 20 डिग्री के ऊपर रख दोगे बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो ही नहीं कर पाएगा इसका ऑप्टीम जो ग्रोथ रहता है वो रहता है एट 15 डिग्री सेल्सियस और बिलो सो so, आपके जो भी साइक्रोफाइल्स रहते हैं दे कैन ओनली सर्वाइव अ टेम्परेचर रेंज अपि डिग्री सेल्सियस अगर आप उसको 20 या 20 के ऊपर रखते हो तो उनकी इमीजिएटली डेथ हो सकती है ठीक है अगर हम बात करते हैं साइक्रोट्रॉप की इनका जो भी रेंज रहता है ये रहता है मेनली ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है ये जो है इनका टेम्परेचर रेंज रहता है ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस दैट इज अप्स साइक्रोफाइज जो रहते हैं सेल्डम कॉजेस डिसीज और फूड्स का मतलब क्या है सेल्डम का मतलब क्या होता है वेरी रेयर है ना इसका मतलब होता है काफी रेयर तो बहुत रेयरली ये कोई कॉज कर सकते हैं या फिर बहुत रेयरली वो किसी फूड को स्पॉइल कर सकते हैं बट आपके जो भी होते हैं ये आपका बहुत फूड स्पॉइल कर सकते जो आपका लो टेम्परेचर फूड रहता है ना उनको ये स्पॉइल कर सकते हैं बिकॉज दे हैव हाँ दट टॉलरेंस ठीक है ये आपके फ्रिज में भी ग्रो हो सकते हैं बिकॉज इनका टेम्परेचर रेंज काफी कम होता है तो दे कैन सर्वाइव देयर एज वेल मीट कंटामिनेशन हो सकता है हम मीट को सॉल्ट लगा के स्टोर करके रखते हैं आप हर चीज़ में क्यों ऐड करते हो ऐड करते हो हर चीज में प्रिजर्वेटव कहीं पे आपने एसिडिक एसिड डाला है विनेगर ऐड करते हैं हम लोग दैट इज हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं एक्स्ट्रा है ना अचार बना के रखते हो आप दो साल के लिए तो उसको भी आप बहुत सारे उसमें नमक डालते हो ऊपर ताकि वो स्टोर्ड रहे वहाँ पे कोई पैथोजेनिक ग्रोथ जो है वो ना हो सके तो ये आपका जो भी साइक्रोट्रॉप्स रहता है ये आपके मेनली जो भी लो टेम्परेचर फूड रहता है उनको कंटामिनेट करने की कैपेसिटी रखता है ठीक है बट दे आर नॉट दैट मीन अस बट वो फूड को स्पॉइल कर सकता है एंड अगर आप वो खराब वाला फूड कंज्यूम करें तो फिर उससे आपको फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें जो है ये हो सकती है ठीक है तो ये होते हैं उनके जो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में रहना प्रेफर करते हैं वो बीस वगैरह बीस तीस के ऊपर फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे उनके सारे एंजाइम्स सारा चीज काम करता है इस टेम्परेचर रेंज में ठीक नेक्स्ट आते हैं आपके मीजोफाइल्स मीजोफाइल्स को हम बोलते हैं मिडल लविंग इसका मतलब क्या होता है तो ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल एक मिड टेम्परेचर पे रहते हैं दीज आर द पैथोजेनिक वंस ठीक है बिकॉज इनका जो भी टेम्परेचर रेंज रहता है वो रहता है आपका ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस दे ग्रो एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस में वो सर्वाइव करते हैं एंड यस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इन्फेक्शंस ठीक है ये सबसे ज़्यादा जो भी कॉमन टेम्परेचर रेंज रहता है ये यूजी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड आपके ऑर्गेनिजम ऐसे हो चुके हैं कि अभी जो है ये दे बॉडीज ऑफ एनिमल्स ऑल्सो विकास ये बात आपका ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था ट्यूसडे से आज हमारा फिफ्थ सेशन है

एंड नाउ दे रिसाइडेटर रेंज ऑफ फोर्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्शियस ठीक है ये फोर्टी का जो ऑप्टीम रहता है वो होता है आपका फोर्टी टीफाइव डिग्री सेल्शियस अब जो कहाँ पाए जाते हैं तो दे आर फाउंड इन द सनलेट सॉइल कॉम्पोस्ट पाइल्स एंड हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पे हमको मिलता है यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर रेंज रहता है वो अप्रॉक्सिमेटली आपका इसी रेंज में रहता है सनलेट सॉइल का मतलब क्या है तो ऐसी मिट्टी जहाँ पे हमेशा सनलाइट जो है वो आती रहती हो उसके बाद में आपके कॉम्पोस्ट पाइल्स जहाँ पे सारा डंप होता हो कचरा वहाँ पे भी काफी हीट प्रोड्यूस रहता है हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे रिसाइड करते हैं आपके थर्मोफाइल्स एंड कुछ थर्मोफाइल्स जो रहते हैं दे फॉर्म एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स ये फॉर्म करते हैं आपके एंडोस्पोर्स को भी एंडोस्पोर्स क्या होते हैं कोई बताओ मुझे विकास यस द बच इज फॉर गेट बट आपके जो टॉपिक्स हो रहे हैं ये काफी जनरल टॉपिक्स है जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा आईसीएम ICM, क्योंकि आईसीएमआर इज फुल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना तो आईसीएमआर डीबीटी सीएसआर आप सारे बैच के लिए कंसिडर कर सकते हो बैच का नाम गेट है बट आपके जो टॉपिक्स है वो काफी रेलिवेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए ठीक है मैं उसी परस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारे एग्जाम में जो है यूज हो एंड नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स अनिल आपको नेक्स्ट आप लोग इसी जाने पर आप लोग जाके चेक करो कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से टॉपिक्स है आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे नेक्स्ट वीक का भी पूरा लग चुका है सीरीज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पैथोजेनिक तो माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं हम लोग फिर हम लोग मेटाबॉलिज्म डिस्कस करने वाले हैं हाउ दे ग्रो वाई दे ग्रो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी का भी पार्ट है थोड़ा सा इम्यूनो भी पढ़ेंगे हम लोग बट हम लोग लो माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे नॉट एंटायर इम्यूनोलॉजी बट आपके बैक्टीरिया एंड क्या रिलेशन है हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे ठीक है संजू आप जो भी लाइव क्लासेस रहते हैं ये ना बच्चा आपको टाइम पे अपडेट होता है ठीक है उसका टाइमिंग जो रहता है इट वो थोड़ा इधर उधर होता है बट आपको बताया जाएगा शुरुआत में ही व्हेन यू जॉइन द बैच आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप कौन से बैच में एनरोल कर रहे हो अपने आप को उसके हिसाब से आपका टाइमिंग जो है वो रहता है मॉर्निंग में रहता है यूजुअली बट आपको एग्जैक्ट टाइमिंग जो रहेगा वो आपको ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आपको पता चल जाएगा ठीक है चलो एंडो क्या होते हैं वॉट आर एंडो कल हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था शाम को पाँच बजे के सेशन में इंडो कैसे बनता था क्या बनता था हम लोग ने सारा डिस्कस किया था आपका जब बैक्टीरिया को लगता है तो कंडीशन सही नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है पानी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे हो सकता है कि फूड भी ना मिले उसको तो बैक्टीरिया क्या करता है खुद का स्पोर फॉर्म कर लेता है एंड अगर वो स्पोर बनाता है बैक्टीरिया इट्स ओन स्पोर तो जो भी स्पोर रहता है ये काफी रेजिस्टेंट रहता है ये हीट को रेजिस्टेंट रहता है यूवी रेस को रहता है एंड इसमें ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज नहीं चलते हैं यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है यहाँ पे तो ये सारी चीजें देखी जाती है आपके स्पोर में हमने कल का ही सेशन में डिस्कस किया है स्पोर एक बार आप कल का सेशन जाके देखो तो आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा इसका ठीक है सोनल सम यस यस वेरी गुड वेरी गुड चलो श्वेता ने तो स्टेप्स भी लिखना शुरू कर दिया है yes, यस श्वेता कल हमने बात किया था फिलामेंट फॉर्मेशन होता था है ना आपका बैक्टीरिया रहेगा तो वहां पे कुछ इस तरीके से कहा ना से फिलामेंट बनते थे फिर ये ब्रेक हो जाता था फिर क्या हो जाता था फिर आपका एक बनता था इस तरफ यहाँ पे मदर सेल बनता था फिर एनगल्फमेंट होता था उसके बाहर कॉटिक्स बनते थे उसके बाद में आपके स्पोर्स फॉर्म होते थे ठीक है तो वो हम लोग ने कल डिस्कस किया था यस आज के सेशन में पी क्यूज रखे हैं मैंने ठीक है हम जो न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स हम जो डिस्कस करेंगे उस पता के लिए न्यूमेरिकल भी रखे गए हैं ठीक है प्लीज़ शेयर द सेशन एज वेल बुलाओ जल्दी से दोस्तों को न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में आपको पता होगा मेरे साथ आपको पता होगा भी कि मैम इंपॉर्टेंट बहुत होता है गेट में न्यूमेरिकल्स तो आपको काइनेटिक्स के मैं आज कराऊंगी एटलीस्ट सिक्स टू सेवन क्वेश्चन है मेरे पास आप लोग के लिए ठीक है और सारे न्यूमेरिकल्स वाले हैं हाउ टू सॉल्व जनरेशन टाइम कैसे निकालना है कैसे निकालना है वो सारा हम लोग बात करेंगे यश yes, आपके स्टेप्स बिल्कुल सही लिखा है आपने सेप्टम है एनगल्फमेंट है हो जाएगा, फिर ठीक मतलब तो है, हो जाती है और आपको जब भी अभी हम बात करते हैं एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स की दैट इज हाइपर थर्मोफाइल्स आपके ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सर्वाइव करते हैं एट 80 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर इस टेम्परेचर रेंज पे रह रह रहे, तो ये आपके हमारे आसपास तो रहता नहीं था टेम्परेचर है ना समर्स में हम लोग हार्डली फोर्टी एट फिफ्टी तक जाते हैं उसके ऊपर तो हम जाते नहीं है बिल्कुल भी तो ये टेम्परेचर आपको नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलता है ये रहता है इन द वोल्केनिक रीजन या फिर आपके जो भी ओशनिक जो भी वेंट रहते हैं ना हाइड्रोथर्मल वेंट जो प्रेजेंट रहते हैं इन द बॉटम पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी या फिर अगर आप अगर हम बात करते हैं की तो जहां से का जो भी मैग्मा रिलीज होता है वहां पे सारा जो है ये प्रेजेंट रहता है है ठीक तो वहाँ पे ग्रो होते हैं आपके एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स तो इफ यू द माइक्रोवेव ग्रोथ आपको पता होना चाहिए कि उनका टेम्परेचर क्या होगा पी क्या होगा वो सब हम डिस्कस करते हैं फिर हम मूव करेंगे द पार्ट ठीक है ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो वो 8 अगस्त से हो रहा है ऑफलाइन की बात करें तो फर्स्ट ऑगस्ट से शुरू हो रही है न्यू वाली बैच ओके सो प्रीति आर्या बैक्टीरिया का डिफरेंस क्या होता है सो आई आई टेल यू बट आई सजेस्ट कि आप इसी चैनल पर जाके कल शाम का सेशन देखो जहां पर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी के क्लासिफिकेशन को ठीक है हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन को कि आर्कि जो है वो कितना सिमिलर है टू तो यू कितना सिमिलर है टू तो बैक्टीरिया ठीक है बट अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको इतना सा हिंट दे देती हूँ कि बैक्टीरिया जो रहता है दोनों सिंगल सेल होते हैं दोनों प्रोकैरियोट्स ही होते हैं बट आर्किया जो रहता है दे रिसाइड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है आपके जो भी आर्किया बैक्टीरिया होते, है, होते हैं ये आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दे एक्चुअली रिसाइड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, दे रिसाइड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, अब ये कंडीशन कोई भी हो सकते हैं हेलोफाइल्स रहेंगे तो एक्सट्रीम सॉल्ट में रिसाइड करते हैं थर्मोफाइल्स होंगे तो वो एक्सट्रीम हीट कंडीशन पे रहते हैं साइक्रोफाइल्स होंगे मतलब कि पे रहते हैं। उनके मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इथर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं ओके आई गेट बैक टू दैट चिरंजी ठीक है आई गॉट योर क्वेश्चन हम उसको डिस्कस डिस्ट्रेल हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ so, करते हैं आपके आर बैक्टीरिया की तो ये आपके ऐसे स्पीशीज रहते हैं जो रिसाइड करते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशन या दे आर लाइक बैक्टीरिया बट दे आर नॉट बैक्टीरिया आप अगर हम बात करते हैं थ्री डोमेन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो आपका जो भी थ्री डोमेन सिस्टम दिया गया है एक में आते हैं सारे बैक्टीरिया एक में आते हैं आपके आर किआ और एक में आते हैं आपके यू कैरियोर्स वी नॉट कॉल दम बैक्टीरिया प्रीति आई सजेस्ट कि आप कल का सेशन देखो जाके बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था जिसमें हमने पूरा टेबल बनाया था आर्किया बैक्टीरिया एंड यू कैरियो एक क्लासिफिकेशन था वहां पे पूरा कि आर्किया के कुछ पॉइंट सिमिलर है टू यू कैरियो कुछ पॉइंट सिमिलर है टू प्रो तो आप सेशन देखो आपको बहुत एक अच्छा आइडिया मिलेगा उससे ठीक है आर्किया दे आर लाइक बैक्टीरिया बट दे दे आर आर नॉट बैक्टीरिया ठीक है बट सिंगल सेल वो नॉर्मल थर्टी सेन पे ग्रो नहीं करते हैं कभी भी वो या तो एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम सालिडिटी वैसे कंडीशन में ही ग्रो करते हैं ठीक है तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की जो है आपका पीएच ठीक है अगर हम बात करते हैं अबाउट द पीएच तो आपका जो पीएच रहता है बैक्टीरिया का वो रहता है मोस्टली न्यूट्रल वो प्रेफर करते हैं न्यूट्रल पीएच में रहना प्रेफर करते हैं ठीक है दे ऑलवेज ट्राई टू सर्वाइव इन अ नॉर्मल रेंज बट यस कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक कंडीशन में रहना प्रेफर करते हैं कुछ वो होते हैं जो बेसिक कंडीशन में रहना प्रेफर करते हैं ठीक है तो आपके जो भी मोस्ट मोल्ड एंड ईस्ट होते हैं ये काफी वाइड रेंज में ग्रो कर सकते हैं बट यूजली उनका जो भी ऑप्टिमम रहता है दैट इज फाइव टू सिक्स बट वो सारे रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं अगर एसिड ज्यादा प्रेजेंट रहता है तो हम वहां पे हो सकता है इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया आप जब पिकल्स बनाते हैं तो पिकल्स में भी हम लोग काफी सारा सॉल्ट ऐड कर देते हैं ठीक है हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं बहुत सारे जिससे हम बोलते हैं कि इससे अभी पिकल्स आपके खराब नहीं होंगे है ना आप लोग ने विनेगर सुना है क्या विनेगर क्या होता है विनेगर विनेगर दिस विनेगर विनेगर क्या होता है बच्चों व्हाट इज विनेगर हम्म विनेगर क्या होता है एसिटिक एसिड ठीक है कहाँ यूज करते हो इसे आप विनेगर को हम कहाँ यूज करते, है? hmm? Use करते हैं वे यूज यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव बहुत बार ना इसे मिर्च वगैरह में भी होता है विनेगर ऐड करके देते हैं विनेगर से हम कपड़े भी धोते हैं कभी कभी, कभी डार्ग लग जाता है तो विनेगर को यूज किया जाता है उस केस में भी बट विनेगर इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टोरेज

हम क्या करते हैं पीएच को यूज किया जाता है टू स्टोर लाइक उसका जो फंक्शन रहता है हम पीएच रेंज को यूज करके हम चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है यस इन किचन एज ए प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं ठीक है कुछ कंडीशन में क्या होता है एसिडिक कंडीशन इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कभी हो सकता है अल्काइन कंडीशन जो है वो इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बट अल्कलाइन हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं वी यूजली यूज सम एसिड्स फॉर द स्टोरेज पर्पस ठीक है कभी कभी क्या होता है एसिडिक प्रोडक्ट जो रहता है वो खुद ही इनिबिट करता है माइक्रोब के ग्रोथ को ठीक है गुड मॉर्निंग पवन ठीक है तो सपोज आपका एक फ्लास्क है यहाँ पे माइक्रोब को ग्रो करने रख दिया है अभी अगर वो ग्रो हो रहा है तो वो कोई बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज करेगा है ना वो कुछ वेस्ट रिलीज करता है वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करता है तो जब ऐसी चीजें रिलीज होती है आपके उस पर्टिकुलर ब्रॉथ में उस पर्टिकुलर आपके मीडिया में तो क्या होता है यही वेस्ट रहता है वो उसी के ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है बहुत बार ठीक है तो इसलिए हम जब भी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो उसको हम उसको छोड़ नहीं देते हैं हमेशा का मीडिया हमेशा चेंज करना पड़ता है बिकॉज वेस्ट भी वहीं पर अक्यूमुलेट हो रहा होता है एंड अगर एसिडिक वेस्ट हो रहा होगा वहां पे तो कभी कभी वो ही इनिबिट कर देगा ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया ठीक है और बहुत बार हम यूज करते हैं आपके बफर को टू तो स्टेबिलाईज पीएच बफर क्या कर देता है चीजों को वो स्टेबिलाईज कर देता है ठीक है गुड मॉर्निंग कावेरी कोई बात नहीं वेलकम टू द सेशन जस्ट बी फॉर द एंटायर सेशन ठीक है आपने कुछ मिस कर दिया पार्ट अब बाद में देखना सेशन के बाद न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं इंपोर्टेंट जो आपके गेट में पूछे जा सकते हैं ठीक है जस्ट बी ऑन द सेन तो ये ये बात होती है आपके पीएच की दे है स्पेसिफिक पीएच रेंज और उसी पी एच में आपके जो भी मीडिया रहेगा आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो हो सकता है

उन्होंने कहा था हमें कि अगर आप किसी चीज को बहुत हीट करते हो लाइक दम मिल्क हम मिल्क दूध को गर्म करके रखते हैं उससे क्या हो जाता है तो भी माइक्रोव प्रेजेंट रहेंगे वो सारे के सारे किल हो जाते हैं एक बार आप दूध को पूरा उबाल लेते हो प्रॉपर तरीके से उसके बाद हम ठंडा करके फिर फ्रिज में रख देते हैं ताकि वहां पे कोई कंटामिनेट ना आ सके दैट इज हीट ट्रीटमेंट यस चिरंजित गुड तो आपके जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उस प्रोसेस को भी सर्वाइव कर सकते हैं तो सोचो कितना मुश्किल है आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म को किल करना ठीक है आप लोग का होमवर्क है आप इसके एग्जाम्पल्स देख के आना हम बात करेंगे आई जस्ट ओल य कौन कौन से तो आप लोग कल बताओगे मुझे ठीक है तो दैट इज थर्मोड्यूरिक आपके ऐसे बैक्टीरिया होंगे ये जो बहुत एक्सट्रीम हीट को भी सर्वाइव कर सकते प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूट्रोफाइल्स जो ग्रो करते हैं अपना तो नॉर्मल पीएच रेंज एंड जो भी नॉर्मल वाले होते हैं यही हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये कंडीशन बॉडी में नहीं रहती है ये कंडीशन बॉडी में नहीं रहती है हमारे बट आप जो भी नॉर्मल रहते हैं दे विल इंक्लूड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथुजन जो हमारे नॉर्मल सेवन पी को सर्वाइव कर सकते हैं देन वी ऑल्सो हैव दिस अलकली फाइल्स ये होते हैं आपके अल्कली लविंग दैट इज़ वो आपके हायर पी रेंज में रहना प्रेफर करते हैं रेंज होता है इनका सेवन टू फोर्टीन ठीक है एग्जाम्पल से आपके विब्रियो कॉलेरा है एल्कालिजन फिकालिस होता है सॉइल में अग्र प्रेजेंट रहता है दे ग्रो एट दीज हायर पीएच रेंज ठीक है तो आपको कभी कभी मैच द की तरफ पूछ सकते हैं कि आपको बैक्टीरिया दे देंगे और आपको पूछेंगे कि वट इज द आइडियल पीएच फॉर देम तो आप सारे लर्न मत करो बट आप हर एक कम से कम दो तीन इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगते हैं वो आप लोग इसके पढ़ के रखना एक बार ठीक है तो पीएच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर माइक्रोबियल ग्रोथ

ठीक है चलो तो आपका जो भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन रहता है ये क्या अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो मुझे बताओ यहां पे सोल्यूट कितना रहेगा और सोलवेंट क्या रहेगा और इफ आई टॉक अबाउट हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो वहां पे सोल्यूट ज्यादा रहेगा सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा बैसिलस सीरियस तो बच्चा नॉर्मल सॉल्व में मिल जाता है चिरंजीत आई थिंक दे कैन फॉर्म सम अब हम सबके बारे में तो नहीं कमेंट कर सकते हैं बट येस आप एग्जांपल्स पता करो तो आपको उनके फीचर्स में दिख जाएगी वो चीज़ें हाइपरटोनिक यस एंड इज गुड so, परफेक्ट सो हाइपरटोनिक में क्या होता है सोल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट जो रहेगा वो कम रहता है ठीक है अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी आपका उट हाइपोटोनिक है और सॉल्वेंट हमारा ज्यादा रहता है क्या हो जाएगा? सेल आपका श्रिंक हो या स्वेल होगा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसिंग एनी बैक्टीरिया इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपका बैक्टीरिया श्रिंक हो जाता है या स्वेल हो जाएगा हाइपोटोनिक में बैक्टीरिया आपका श्रिंक होगा स्वेल होगा श्रिंक प्रीति सिंह श्रिंक ठीक है बाकी लोग यस प्रीति आर राइट तो यहाँ पे का तो ऑर्गेनिज्म आपका श्रिंक हो जाएगा अगर उसको हम प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो यहाँ पे आपका होता है एंडो ऑस्मोसिस और यहाँ पे जो रहेगा आपका स्वेल होता है

अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तो यहाँ पे आपके ऐसे की बात करते हैं हम जो कंट्रोल ग्रो करते हैं प्रॉपर तरीके से ग्रो जो है वो हो सके अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तो यहाँ पे क्या हो सकता है माइक्रोब में लाइज और बर्स ऑफ द सेल वॉल वीक बिकॉज यहाँ पे क्या आपके माइक्रोब जो है वो स्वेल हो जाएंगे एंड वो बर्स्ट हो सकते हैं ठीक है

एंड ये ग्रो करते हैं आपके ओशन में ग्रो कर सकते जहाँ का टेम्परेचर रेंज होता है आपका थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस एंड यूजली दे आर फाउंड इन द ओशन ओनली हमेशा हमको ओशन में ही देखने को मिलते हैं अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम ये हालो फाइल्स की तो ये ऐसे होते हैं जिनको बहुत हाई सोल्ट चाहिए होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जहाँ पे सोल्ट रहता है वहीं पे ग्रो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो रहता है जो डेड सी में प्रेजेंट रहता है वहीं पे ग्रो होते हैं ठीक है डेड सी के बारे में सुना आप लोगों ने डेड सी क्या होता है चलो तो बताओ मुझे व्हाट इज डेड सी क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पे डेड सी में गया कोई वहाँ पे वाइट इज कॉल्ड डेड सी क्या हम जाएंगे तो वहाँ पे बुढ़ बुढ़ू को जाएंगे हम लोग डूब जाएंगे वहाँ जाके डेड सी में क्या होता है वाइट इज कॉल्ड डेड सी तो क्या हम डूब जाएंगे डेड सी में हम बाहर नहीं आ पाएंगे वट इज डेड सी हम्म इज डेड सी अच्छा श्वेता नहीं गई है ठीक है यस hmm? यस yes, अनामिका yes, वहां पे बहुत हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे

ठीक है बाकी आपके जितने माइक्रोब्स रहते हैं वो कभी माइक्रोब्स दे कैन सर्वाइव देयर बट यस आपके जो भी माइक्रो द क्रैप्स एंड एवरीथिंग वो कभी भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ का सॉल्ट इतना ज्यादा रहता है बहुत हाई रहता है वहाँ पे सॉल्ट कॉन्सटेशन एंड यस हम भी वहाँ पे अगर डूबेंगे नहीं वहाँ पे इतना सारा मास प्रेजेंट है वहाँ पे बायोमास इतना सारा प्रेजेंट है कि हम डूबते नहीं है वी कैन लाइक लिटरली वॉक ऑल्सो हम फ्लोट होते हैं वहाँ पे हम एकदम से नहीं जाके नहीं डूब जाएंगे वहाँ ठीक है तो ये होता है आपका ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स जो आपके सर्वाइव कर सकते हैं एंड ये कुछ रेयर प्लेसेस में ही है जैसे कि डेड सी हो सकता है या फिर कुछ और बहुत रेयर प्लेसेस में ही आपको मिल सकते हैं आपके ये कंडीशन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज समथिंग कॉल्ड एज द फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स ये ऐसे होते हैं कि मिल गया तो भी ठीक है नहीं मिल गया तो भी ठीक होता है। का मतलब है। क्या तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्शन विदाउट दैट इट के नॉट सर्वाइव बट अगर हम बात करते हैं फैकल्टेटिव की तो चलेगा नहीं चलेगा वो कंडीशन रहती है यहाँ पे ठीक है तो अगर हम बात करते हैं फैकल्टेटिव की तो ये हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर ग्रोथ बट अगर दो परसेंट तक का सॉल्ट वहाँ पे है तो टॉलोरेट कर सकता है झेल सकते हैं इमीडिएटली डेथ नहीं हो जाएगी उनकी तो उसके पहले क्या हो जाएगा तो उसके पहले टू परसेंट जहां तक का कांसेंट्रेशन रहेगा तो इतना वो झेल सकता है थोड़ी इट बहुत इट कैन हैंडल बट अगर बहुत हाई रहेगा तो फिर ये भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा

नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिक्वायरमेंट्स अब आप जब मीडिया बनाते हो तो मीडिया में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हो है ना मीडिया में चीज़ें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है कुछ आपके प्रिपेयर्ड मीडिया होते हैं कुछ मीडिया हम खुद से बनाते हैं कुछ में आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है समटाइम्स वी ऐड ब्लड टू इट कभी कभी हम एग या ऐड करते हैं एग वाइट पोर्शन ऐड करते हैं कभी कभी एग का योग ऐड करना पड़ता है हमें कभी हम उसमें यूरिया अलग से ऐड करते हैं तो आपका मीडिया जो रहता बना हुआ होता है बट कभी कभी अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया वी चेंज द न्यूट्रिय एज वेल है ना आपको आपके टीचर्स बोलते हैं कि अच्छा ये बैक्टीरिया के टीके काम करो इसमें थोड़ा सा पॉइंट uh, फाइव ग्राम इसमें ये वाली चीज भी ऐड कर दो ठीक है बिकॉज ऑल द हैिजम फॉर दर ग्रोथ फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ वी हैव सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की आपको इतनी चीजें तो ऐड करनी ही पड़ेगी मीडिया में तब जाके हमारा बैक्टीरिया जो है ये ग्रो हो पाएगा ठीक है तो जैसा आपका फर्स्ट होता है कार्बन कार्बन तो भैया बहुत जरूरी होता है इसके बिना तो आपका कोई बायोमोलिक्यूल बन ही नहीं सकता है तो फॉर द कार्बन सोर्स कार्बन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं तो आपके जो भी होते हैं कीमो हेटेट्रॉप और एक स्पीशीज होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप सो दे डिराइव द कार्बन ऑलवेज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात कर रहे हैं आपके की कीमो ऑटोट्रॉप हो या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ हो दोनों यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर द कार्बन सोर्स बट अगर हम बात करते हैं आपके कार्बन हेट्रोड्रोप्स की तो ये कार्बन कहाँ से लेते हैं तो ये लेते हैं उनको लिपिड से ले सकते हैं प्रोटीन से ले सकते हैं एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट से भी इनको ले सकते हैं ठीक है सो दिस कार्बन सोर्सेज फॉर द कीमो हेड्रोड्रॉप उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके नाइट्रोजन सल्फर एंड की बिकॉज इनकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, है ना नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है हमारे अंदर बताओ मुझे जल्दी से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहेगा किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वॉट इज अ बायोमोलिकल्स जिसमें नाइट्रोजन आपका कंपल्सरीली प्रेजेंट ही रहेगा हमारे अंदर कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स रहेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन कंपल्सरीली प्रेजेंट रहता ही रहता है गाइस लाइक एंड शेयर द सेशन क्विकली बुलाओ दोस्तों को प्रोटीन ठीक है गुड प्रोटीन में रहता है माइंड गुड प्रेजेंट रहता है एन थ्री सही बता रहे हो और कहाँ पे होता है प्रोटीन के अलावा गुड गुड वेरी गुड ग्रेट प्रोटीन्स किससे बनते हैं यस अब न्यूक्लिक एसिड यस गुड आंसर प्रोटीन्स किससे बनते हैं आपके डीएनए में रहता है आपके नाइट्रोजनस बेसिस में रहता है अमाइनो एसिड्स में रहता है यस 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 यू आर राइट तो आपको पता है कि बॉडी में बहुत जरूरत होती है नाइट्रोजन की है ना नाइट्रोजन की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है हमको तो वी रिक्वायर अ प्रॉपर नाइट्रोजन सोर्स अगर हमको माइक्रोब को ग्रो कराना है तो वी नीड अ प्रॉपर नाइट्रोजन सोर्स बिकॉज़ नाइट्रोजन उनका डीएनए बनाएगा उनका आरएनए बनाएगा बिकॉज एन टीपी में भी रहता है नाइट्रोजन ग्रुप है ना अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं तरीके से वी हैव नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट इन द नाइट्रोजनस बेसिस एस वेल है ना तो नाइट्रोजन बेस हो गया तो ये लगता है इनको डीएनए में भी लगता है आर में भी लगता है अमाइन एसिड्स में लगते हैं प्रोटीन में प्रेजेंट रहते हैं एनजाइम्स में प्रेजेंट रहते हैं तो हर जगह हमको नाइट्रोजन की बहुत जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन सोर्स क्या क्या हो सकता है हमारे लिए तो ये रहता है आपका प्रोटीन हो सकता है बैक्टीरिया कैन कंज्यूम सम प्रोटीन्स उनको अमोनियम ऐड किया जाता है बहुत बार मीडिया के अंदर ठीक है अमोनिया वहाँ से धीरे धीरे रिलीज होता है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहता है जो भी प्रेजेंट रहता है इन द एटमोसफियर बैक्टीरिया कैन गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द मिल सकता है उनको एटमोसफेयर में मिल सकता है एयर में मिल सकता है ठीक है ठीके? आपके तो नाइट्रोजनिंग बैक्टीरिया रहते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द लाइक यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को दे गिव दाइट्रोजन टू द प्लांट बदले में उनको मिलता है वहां से रहने की जगह मिलती है प्लस दे गेट द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट ठीक है नाइट्रेट्स यूज कर सकते हैं हम लोग सॉल्ट यूज किया जा सकता है फॉर द नाइट्रोजन सोर्स तो अगर आप एक मीडिया बना रहे हो आपके लैब में आपके कॉलेज में तो आप क्या करते हो वहाँ पर यूज करते हैं कार्बन सोर्स लिया जाएगा कुछ ना कुछ फिर हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे आपके नाइट्रोजन सोर्स को भी हम लोग यूज करते हैं हमारे कहते हैं तो ना बी एस एड करते हैं मीडिया में बोवाइन सीरम एलबीमिन ऐड किया जाता है प्रोटीन होता है आपका ये तो बहुत ऐसी चीजें ऐड करते हैं मीडिया में जो माइक्रो को हेल्प करता है इन गेटिंग द कार्बन सोर्स इन गेटिंग द नाइट्रोजन सोर्स सारा सोर्स जो रहता है वो उनको अलग अलग जगह से मिलता है वो हम लोग ही वहाँ पे ऐड करते हैं ठीक yes, है एंड नाइट्रोजन का यूजेस यस अमाइनो एसिड से डीएनए है आर एन ए है प्रोटीन है वो सारे हैं अब अगर हम बात करते हैं सल्फर की ठीक है सल्फर भी यूज होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा मुझे बताओ कौन से अमाइनो एसिड्स है जो सल्फर कंटेनिंग है कौन कौन से अमाइनो एसिड जो है वो सल्फर कंटेनिंग होते हैं विच अमाइनो एसिड्स आर सल्फर कंटेनिंग बताओ जल्दी से yes, yes. वेरी गुड विक्रम वेरी गुड यस मिथ्योनिन रहता है रहता है ये दो एसिड होते हैं आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनोसिटेनिंग अमाइनोसि ठीक है तो वहां पे लगता है सल्फर है ना तो प्रोटीन बनाने में लगेगा विटामिन बनाने के भी लगता है हमको सल्फर ओके यहाँ पे भी हमको लगता है सल्फर वी कैन नॉट मेक एवरी विटामिन कुछ विटामिन हमको बाहर से लेना पड़ता है बट कुछ विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी कुछ हद तक बना सकती है विटामिन डी हम हम बना सकते हैं कुछ से कुछ विटामिन क्या क्या हो सकता है बैक्टीरिया के लिए तो प्रोटीन से मिल सकता है उनको बिकॉज अगर प्रोटीन उनके पास उन्होंने प्रोटीन कंज्यूम किया होगा तो प्रोटीन में आपका माइनस होगा मिथ्योन सिस उनको सल्फर जो है ये मिल सकता है फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द सल्फेट्स तो ये सारी चीज़ें हम लोग मीडिया में ऐड करते हैं अलग से ताकि ऑर्गेनिज्म को ये चीज़ें जो है ये अवेलेबल हो सके फॉस्फरस जो रहता है दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक बफर में भी आपका फॉस्फरेट प्रेजेंट रहता है ठीक है हम लोग टार्टरेट रहता है ये डाई फॉस्फोरिक कुछ यूज करते हैं लो फौस्फरिक, फौस्फरिक हम लोग ड्राई फॉस्फरिक टाई फॉस्फरिक हम ऐसी कुछ चीजें ऐड करते हैं बफर्स में ऐड किए जाते हैं बहुत बार ताकि आपके बैक्टीरिया को सारा जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके एंड आपके डीएनए में रहता है RNA में रहता है एटीपी बनता है आपका ए टीपीट इट ऑल्सो फॉस्फोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में फॉस्फोलिपिड्स का लोकेशन क्या रहेगा हमारे अंदर हमारे में किसी भी लिविंग में वॉट इज द लोकेशन फॉर द फॉस्फल क्या लोकेशन होगा बच्चा फॉस्फोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा ठीक है गुड वेरी गुड सेल मेम्ब्रेन यस 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 तो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स तो वहां यूज होता है आपका फॉस्फोरस उसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि पोटैशियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है इनको भी हम ऐड करते हैं मीडिया में अलग अलग फॉर्म में ऐड किया जाता है ठीक है कैल्शियम जरूरत पड़ती है फॉर द सेल वॉल सिंथेसिस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव का जब सेल वॉल बनता है नाग नाम जब पॉलीमर्स ऐड होते हैं पेप्टोग्लाइकन रहता है वहाँ आप पे आपके टिकॉइक एसिड आके ऐड होते हैं तो वहां पे आपका कैल्शियम भी आके डिपॉजिट होता है जो एक मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को रखने में हेल्प करता है कैल्शियम इज बेसिकली यूज इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया सो दैट्स व्हाई ऐड कैल्शियम आल्सो टू द मीडिया ठीक है कुछ और एलिमेंट्स होते हैं आयरन है कॉपर है मॉलिडबनम है जिंक है ये सारे यूज होते हैं एज अ ये सारे आपके एंजाइम के को फैक्टर्स कहलाते हैं को फैक्टर्स क्या होते हैं तो ये आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है आपके बैक्टीरिया को टू ग्रो बैक्टीरिया के एंजाइम्स को पड़ती पर है जरूरत आपके को एंजाइम्स भी हो सकते हैं को फैक्टर्स भी हो सकते हैं क्या डिफरेंस है को एंजाइम को फैक्टर में वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन को एनजाइम एंड को फैक्टर्स क्या डिफरेंस होता है को yes. है को फैक्टर्स में ओके ये बात ठीक है को एनजाइम्स आर ऑर्गेनिक गुड वेरी गुड एंड को फैक्टर्स आर या आयन यस अबूज आर वेरी गुड बच्चा तो आपके अगर हम बात करते हैं को एनजाइम्स की तो ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक फॉर्म जैसे कि आपका एन NAD है डी है एन ए डी एच है सारे को, लाते हैं जो को हेल्प करते हैं को का मतलब के, को वर्कर्स मतलब क्या होता है जो हमारे साथ काम करते हैं उसमें को वर्कर्स होते हैं जो हमारे साथ हमारी मदद करते दे आर देआर को जो होते हैं जो बिल्कुल एंजाइम के साथ में ही काम करते हैं को फैक्टर्स भी जो रहते हैं वो आपके एंजाइम के साथ एसोसिएटेड रहते हैं बहुत बार टू स्टेबिलाईज To make them, uh, like, उनको एक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं तो वो आपके को फैक्टर्स कहलाते हैं ठीक है सो यसाइमिकल्सो सम ग्रोथ रिक्वायरमेंट जो हमको जरूरत पड़ती है जब हमको माइक्रोब को ग्रो कराना होगा प्रीति कुच एंजाइम्स काम कर सकते हैं सारे एनजाम को जरूरत नहीं पड़ती है को सम एनजा कैन वर्क विदाउट कोल कुछ को जरूरत पड़ती है कुछ को मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है कुछ को किसी और की जरूरत पड़ती है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके विटामिन बी ट्वेल्व की वहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है अगर हम बात करें हिमो ही, तो वहाँ पे आपका आयरन प्रेजेंट रहता है अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल की तो वहाँ पे आपका मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहता है तो डिफरेंट कंपाउंड्स रिक्वायर डिफरेंट मेटल आयंस विदाउट दैट आल्सो आपका प्रोटीन काम करेगा डिपेंड्स कि आपका क्या है वो

लिया, सेशन लिया था आई थिंक लास्ट वीक की बात है मैंने एक सेशन लिया था जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था इसको डिटेल में हमने पूरे पाथवेज डिस्कस किए थे मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्कस किए थे वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपको जो भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं कंपेयर टू द एनोरो ऑर्गेनिजम्स ठीक है एरोब्स जो होते हैं उनकी जो पाथवेज चलती है टी सी एस आईकल चलेगा ईटीसी चलता है वो ज्यादा ईटीपी बना सकते हैं कंपेयर टू द एरो ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट वीक में बच्चों आप लोगों को आई थिंक तीन सेशन रखे मैंने मेटाबॉलिज्म के ओके नेक्स्ट वीक में तीन सेशन लेने वाले मेटाबॉलिज्म पे जिसमें हम सारे पाथवेज को डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक्स क्या है याद रखने की पूरे पाथवे को आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट वाले ठीक है सो बी बी दो सेशन आज तो अगर हम बात करते हैं आपके एरोबिकम की आपकी so so, अगर हम बात करते हैं ऑब्लिगेट के मतलब क्या है कि उनको हंड्रेड परसेंट जरूरत पड़ती है आपके ऑक्सीजन की विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट ठीक है ओके उमेश उमाशीष so उमाशीष आई एम सो सॉरी आज आज, आज आपके टॉपिक में सर्वाइवेस रखे हैं मैंने ठीक है आप बस जुड़े रहो सेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाए हैं मैंने आज जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपको पहले कुछ फॉर्मुलाज बताने हैं मुझे उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे हम ठीक है कुछ है आपके ग्रोथ के विदाउट फॉर्मुला आप कैसे बता पाओगे ना ठीक है तो यस एग्जाम्पल आता है आपका सुडोमोनास एग्जाम्पल आता है फैकल्टेटिव एनरोब्स का मतलब क्या है रहा तो भी ठीक है नहीं रहा तो भी ठीक है ये भी प्रेजेंट रहते हैं एग्जाम्पल्स इकोला है स्टेफालोकोकस है ईस्ट है अगर हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एनरोब्स की तो आप ऐसे आते हैं जो ओनली इन एब्सेंस दे कैन ग्रो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो वो उनके लिए टॉक्सिक हो सकता है ओके okay, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे एग्जाम्पल और क्लास्टेडियम जो क्रॉस करता है हमने कल ही बात की थी क्लास्टेडियम के बारे में जो टिटानस क्रॉस करता है एक्चुअली ठीक है एरोटोलरेंट का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकते हैं बट उसको टॉलरेट भी कर सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन के होने या नहीं होने से बट वो उसको यूज भी नहीं करते हैं दोस्त उसको हम बोलते हैं सॉरी उसको हम बोलते हैं एरोटोलरेंट एनारोब्स टॉक्सिक फॉर्म को ये ब्रेक कर सकता है उनके पास कैपेसिटी होती है दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीजनो हम बोलते हैं एरो टॉलरेंट मतलब कि दे आर जस्ट टॉलोरेटिंग द एयर और द ऑक्सीजन एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस होता है उसके बाद में अगर हम बात करते हैं माइक्रो एरोफाइल्स की तो माइक्रो तो का मतलब क्या होता है बहुत ही छोटा ओके माइक्रो एरोफाइल्स का मतलब क्या होता है दे रिक्वायर ऑक्सीजन बट एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन

स्टार्ट पढ़ेंगे ग्राफ डिस्कस करेंगे फिर हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मूलास एंड हाउ वी कैन डिराइव दोस फॉर्मूलास ठीक है अब आपको बताऊं एक ग्रोथ कर्व बनाते हैं हम लोग हमेशा इस तरीके से समथिंग लाइक दिस चार फेज होते हैं यहाँ पे आपका ये होता है लैक फेज ये होता है लॉग फेज फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल और द स्टेशनरी फेज और फिर आता है डेथ फेज एंड फिर आता है डेथ फेज है ना अगर हम बात करते हैं लैग फेज की तो लैग फेज में क्या होता है ये होता है पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट जहाँ पे क्या हो रहा है तो अगर आपने किसी को नए जगह पे लाके छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा उसको थोड़ा तो टाइम लगता है ना एडजस्ट होने को अगर आपको न्यू हॉस्टल में लाके मैंने छोड़ दिया तो आप क्या आप एक दिन में तो हम एक्टिवेट नहीं होते हैं सारे फ्रेंड्स नहीं बना लेते हैं हम वहाँ पे आके थोड़ा सा सेटल होते हैं देखते हैं आजू बाजू क्या है चीजें ठीक है कि नहीं है फिर हमारा जो भी डेली रूटीन रहता है वो शुरू होता है तो एवरी बैक्टीरिया नीड्स सम टाइम फॉर द

जब उसको वो एडजस्ट हो जाएगा चीजों को जब एडजस्ट हो जाएगा सराउंडिंग तो, तो, तो वो क्या करेगा फिर एकदम से वो डुप्लीकेट होना बाइनरी परफॉर्म करना एकदम से फिर वो शुरू कर देगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन साइज ग्रोइंग इन नंबर जो रहेगा आपके इस फेज में होगा और साइज जो रहता है वो आपके लॉग फेज में ही इंक्रीज होता है ये कभी कभी एक घंटे का भी हो सकता है कभी कभी ये कुछ दिनों का भी हो सकता है डिपेंड्स कि आपने कौन से बैक्टीरिया को किस मीडिया में ग्रो किया है इफ द बैक्टीरियाज फास्ट ऑर्गेनिज्म मतलब के तो बहुत फास्ट ग्रो हो तो बहुत जल्दी आपका एक घंटे में हो सकता है डुप्लीकेट होना शुरू हो जाए कभी कभी आप लोग आप क्या करते हैं like, अगर आपने प्लेट में इक्यूलेट किया है तो हमेशा हम वेट करते हैं चौबीस घंटे का फोर्टी एट आवर्स का फॉर दर्गेनिज्म टू ग्रो राइट तो कुछ ऑर्गेनिजम्स काफी जल्दी ग्रो हो सकते कुछ ऑर्गेनिज्म को काफी टाइम लगता है टू प्रॉपरली ग्रो तो ये होता है लैकवेस जहाँ पे आपका सेल डिवेशन बहुत कम होता है ओनली मेटाबोलिक पाथवेज जो काफी सारा चलता रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया हमारा

खत्म होना शुरू हो चुका है यस yes, यस yes, श्वेता सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इस फेज में पढ़ेंगे हम लोग ठीक है अभी क्या चुका न्यूट्रिय जो भी डिप्लीट हो चुका है ठीक है अगर न्यूट्रिय डिप्लीट हो चुका है तो क्या हो जाएगा सबको न्यूट्रिय मिलना बंद हो जाएगा तो उस फेज में अभी क्या होता है बैक्टीरिया ओनली थिंग्स अबाउट इट्स सर्वाइवल वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं कैसे बच सकता हूँ वो सिर्फ उसकी प्लानिंग करेगा कि बाकी मरे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा वो सारे सेल्फिश जाते हैं अभी सिर्फ खुद को ही सेव करने का सोचते हैं ऐसे तो किसी की हेल्प कर देंगे बट ऐसे कंडीशन में कोई किसी की फिर हेल्प नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी पॉपुलेशन साइज रहेगा वो स्टेबिलाईज हो जाएगा हो सकता है कि आपके पास जो फ्लास्क था इनिशियली वहां पे सिर्फ दस इनाक्यूलमर प्रेजेंट थे बट आफ्टर क्या हो गए हैं ये हंड्रेड में कन्वर्ट हो गए हैं अभी हंड्रेड जो था उतना ही लिमिट था न्यूट्रिय उसके ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे कि अभी जो है एक exactly जितने नए ग्रो होते हैं उतने ही है, ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती है बिकॉज यहाँ पे स्पेस भी खत्म होने लगता है धीरे धीरे करके ठीक है यहाँ पे बिल्कुल सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता है ग्राफ में देख सकते हो आप लोग इस फेज में सेल नंबर बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली क्यों नहीं हो रहा होगा बिकॉज आपका सेल नंबर जो है वो काफी ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हो रहा है ठीक फैक्टर्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं एक तो है कि वहां पे आपका टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट होने लगेगा इफ द टॉक्सिक वेस्ट आर बिंग अक्यूमुलेटेड तो उससे भी क्या हो सकता है बैक्टीरिया आपका प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा जैसे कि इमेजिन करो अगर कोई बैक्टीरिया है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड ना इट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट मटेरियल तो उसने उसको रिलीज कर दिया है जो बिल्कुल यहीं पर प्रेजेंट है आपने यहाँ पे कुछ कैप लगा दिया इतना टाइट है कि वहाँ से सी टू भी एस्केप नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी टू का नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो जो भी टेम्परेचर है वो जो भी वहाँ पे एनवायरमेंट है वो इसी के ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं करेगा

कम हो जाएगा अगर पीएच आपका काफी कम हो जाता है तो वी ऑल नो दैट बैक्टीरिया के पास एक टॉलरेंट कैपेसिटी होती है कि उतने पीएच भी पी एफिशिएंटली काम कर सकता है अगर पीएच कम होता है पीएच ज्यादा हो जाता है तो बैक्टीरिया फिर सर्वाइव नहीं कर पाता है सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की देर इज नो न्यू ग्रोथ बिकॉज द पीएच इज नॉट प्रॉपर फॉर द मल्टीप्लीकेशन पार्ट लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स जितना कार्बन सोर्स था सब खत्म कर लिया है ग्लूकोज कर लिया होगा लैक्टोज रहा होगा तो उसको यूज कर लिया अब अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा तो फिर वो कहाँ से ही ग्रो हो पाएगा इफ नो न्यूट्रिएंट तो आपका सेल न्यूट्रिय भी अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा देर इज इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट तो था पहले बट उसको सारा यूज कर लिया है अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो सरवाइव और नहीं कर पाएंगे दे विल नॉट बी एबल टू डिवाइड डिडसेल्व सारे कुछ रीजंस होते हैं जो स्लो करते हैं आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को इन द स्टेशनरी फेज ठीक है आपने लैग फेज का स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा अनामिका तो स्पेशल कैरेक्टर बच्चा ये होगा वहाँ पे कि वहाँ पे बैक्टीरिया सिर्फ आके ना अपने आप को एडजस्ट करता है ठीक है वहाँ पे बैक्टीरिया आता है वो चेक करता है कि वहां पे ग्लूकोज है लैक्टोज है कौन से एंजाइम्स यूज करने हैं उसे अगर ग्लूकोज रहेगा तो क्या करेगा वो ग्लूकोकैनिस यूज करेगा हेक्जोक यूज करेगा जिससे अपना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलाएगा एनर्जी बनाएगा

एक्सो का मतलब होता है जो बना के बाहर रिलीज कर देता है एंडो का मतलब होता है जो बना के अपने पास रखता है और जब कंडीशन सही रहती है तब उनको वो रिलीज करता है दैट इज अ टॉक्सिन आपको एक्जैक्टली क्वेश्चन समझ नहीं आए फॉर्म कब होते हैं टॉक्सिन टॉक्सिन तो आप वो नॉर्मली भी बना सकता है अगर हम बात करते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अब हम एक एक और वर्ड पढ़ लेते हैं एक होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है और एक होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या डिफरेंस है दोनों में वॉट इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट उस का नाम उसका बनावेगा वॉट इज अ प्राइमरी मेटाबुलाइट बच्चों वॉट इज अ प्राइमरी मेटाबुलाइट वॉट इज अ अकेंडरी मेटाबुलाइट व्हाट इज अ प्राइमरी मेटाबुलाइट वॉज अ सेकेंडरी मेटाबुलाइट ठीक है तो हुआ वेरी गुड प्राइमरी दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है सही बता रहे हो और सेकेंडरी सेकेंडरी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट यस दे आर यूज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ठीक है जैसे कि आपके यस 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 ये जो रहते हैं दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन ग्रोथ ठीक है दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं बट दे प्रोवाइड सम एक्सट्रा फीचर्स एंटीबायोटिक्स होते हैं ये है आपके, आपके इस फेज में बनते हैं, जो antibiotics हैं, आपके, में हैं. आपके जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं आपके सेकेंड्री मेटाबोलाइट्स में आते हैं एंड आपके जो भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं ये बनते हैं आपके स्टेशनरी फेज में तो

ठीक है बिकॉज़ पे क्या हो चुका है यहाँ पे शुरू हो गया है जो केमिकल्स बना के रिलीज कर पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा ताकि दूसरे मर जाए और वो खुद जो मैकेनिज्म गुड ठीक है yes, good, good, good. तो ये बात होती है लास्ट में आता है डिक्लाइन फेज अभी यहाँ पे क्या होता है पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो, हो जाती है यहाँ पॉपुलेशन साइज हमारी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स डाइंग इज मोर देन नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड ठीक है देखो लॉग फेज में क्या था बर्थ ज्यादा थी डेथ से स्टेशनरी फेज में क्या था तो यहाँ पे बर्थ जितना था उतना ही डेथ था और आपका जो भी डेथ फेज है यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे आपका डेथ जो है वो ज्यादा है है ना

चार फेजेस क्लियर है सभी को लॉक सॉरी लैक फेज लॉक फेज, फेज स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज क्लियर टू एवरी वन प्लीज कन्फर्म चार फेज समझ गया सभी को तुम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे क्लियर टू यहां तक समझ गई आप सबको प्लीज कन्फर्म कर दो यस चलो ठीक है लोग आरित में बस हम वही बात कर रहे हैं देखो डिविजन में क्या होता है एक सेल रहता है उससे दो सेल्स बनते हैं इससे फिर आपके और दो सेल्स बनेंगे अगर मैं लिखूँ तो दिस इज वन सेल एक से बन रहे हैं दो दो से बनेंगे चार चार से फिर बनेंगे आपके आठ एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टी सिक्स फाइव वन टू वन जीरो टू फोर फिर आपका आ जाएगा कितना टू जीरो फोर एट तो आपका जब सेल डिवीजन होता है जब सेल्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं तब क्या होता है आपके जो भी नंबर जो है वो डबल हो रहा है एवरी टाइम है ना नंबर जब वो ग्रो हो रहा है एवरी टाइम वो ग्रो हो रहा है अब अगर मैं बात करूं कि कितने से ग्रो हो रहा है अगर मुझे ये जानना है कि कितने नए सेल्स वहाँ पे ऐड हुए हैं तो यहाँ पे तो आपका एक ही सेल ऐड हुआ है

एड हो चुके हैं तो क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ इतना रैपिड हो रहा है इतना चेंज हो रहा है इतना एक्सपीडेंशियली हो रहा है इन वैल्यूज को हमेशा मेंशन करते हैं आपके लॉग वाइज मेंशन करते हैं हमेशा हम लॉक वैल्यूज के बेसिस पे ही हम लोग ये सारे कैलकुलेशंस जो है ये करते हैं बिकॉज चेंजेस इतना ज्यादा ड्रास्टिक होता है कि आप इसको नॉर्मल तरीके से हम नहीं एड करते हैं बिकॉज एवरी टाइम द नंबर इज बिंग डबल्ड वी आर यूजिंग दिस लॉगरिथमिक रेट्स अब हम बात करते हैं आपके अच्छा एक छोटा सा देख लेते हैं ये बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम है ये एनलार्ज हो, तो हो, हो जाता है सेप्टम ग्रो होता है ऑपोजिट एंड से कॉम्पोनेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक तरफ आपके आधी चीजें आ जाएंगे एक तरफ आपकी आधी चीजें चली जाएगी न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियोइड क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट होने लगेंगे सेप्टम पूरा बन जाएगा अभी है ना सेप्टम इज कम्प्लीटली सेंटर से क्या हो जाएगा अभी आपका सेपरेशन भी, भी शुरू हो जाएगा सेपरेशन ऑफ द कैन सी फिशन आपको बट एक बताना था बस ठीक है कैसे कैलकुलेट करते हो ठीक है हमें कैसे पता माइक्रो प्लेट के अंदर एक है दो है चार है कैसे पता है तो, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं टू चेक द माइक्रोबियल ग्रोथ कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड जहां पे आप डायरेक्टली काउंट करते हो ओके दिस मेथड डायरेक्टली काउंट करते हो क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो कितने प्रेजेंट है तो क्या करना होता है आपको आप परफॉर्म कर सकते हो सीरियल डाइल्यूशन परफॉर्म किया जा सकता है और आप हर प्लेट से आप लोग सैंपल्स को कलेक्ट करोगे एंड आप आपको हमने बताई भी थी ये चीज कि हम हमेशा लास्ट <coughs> के कॉलोनीज को पिक करते बिकॉज आपको यहाँ पे बता नहीं पाओगे एक बैक्टीरिया कितना है बिल्कुल एक लॉन बन के है, है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं तो हमेशा सेलेक्ट करते हैं आपके कुछ ऐसे प्लेट्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं दिस इज वन टू थ्री फोर है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे आप एक एक बैक्टेरियर को काउंट कर सकते हो कितनी कॉलोनीज बनी है उसको आप लोग काउंट कर सकते हो ठीक है आपका फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑन द प्लेट मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ सैंपल ठीक है इसका मतलब क्या है अगर आपको मिला है सपोज थर्ड प्लेट में अगर आपको मिले हैं सपोज थर्टी कॉलोनीज मिली है यू गॉट थर्टी कॉलोनीज इन द इन दिस प्लेट क्या करना है नंबर ऑफ कॉलोनीज लिखना है मल्टीप्लाई किससे करना है रेसिप्रोकल ऑफ द डॉल्यूशन डायलुशन ऑफ द सैम्पल रेसिप्रोकल क्या है यहाँ पे थाउजेंड आ जाएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू वन थाउजेंड हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे अभी थर्टी थाउजेंड ठीक है इसको हम बोलते हैं थर्ट इसको हम बोलते हैं थर्टी थाउजेंड और ये क्या बताता है हमको दिस इज द बैक्टीरिया पर एमएल इसको हम लिखते हैं बैक्टीरिया पर एमएल लिखा जाता है इन सैंपल ठीक है अगर मुझे जानना है कि इस क्यूब में कितने बैक्टीरिया तो मैं क्या करूंगी क्यूब को पहले तो मैं स्प्रेड प्लेट ट्यूब को मैं क्या करूंगी ट्यूब को पहले मैं स्प्रेड प्लेट मेथड से मीडियम्स को प्रॉपर तरीके से मैं स्प्रेड करूंगी कर

अगर आपका मीडिया सपोज दस एम का है इफ आपके पास टोटल दस एम मीडिया है तो आप क्या बोल सकते हो फिर आपके पास में तीन लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपके उस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर ठीक है सो दैट इज हाउ वी डू द माइक्रोबियल ग्रोथ कैलकुलेशन बाय यूजिंग दिस मेथड दैट इज वी यूज द डायरेक्टली काउंट मेथड को हम लोग यूज करते हैं ठीक है उसके अलावा वी कैन आल्सो चेक द टर्बिडिटी आप यूज कर सकते कलोनीमीटर यूज किया जा सकता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया जा सकता है जिससे हम लोग टर्बिडिटी को काउंट करेंगे If is very much turbid, क्या है ग्रोथ बहुत ज्यादा है अगर टर्बिडिटी काफी कम है तो हम क्या बोलेंगे ग्रोथ वहां पे काफी कम है तो हम एक इनडायरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं बाय चेकिंग द टर्बिडिटी वी कैन चेक द मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना कितने इंसान बना रहा है वो अगर बहुत सारे बैक्टीरिया रहेंगे तो बहुत इंसान बना लेंगे अगर बैक्टीरिया कम रहेंगे तो वो काफी कम पाथवेज करेंगे काफी कम मेटाबोलाइट जो है ये फॉर्म होंगे ड्राई वीट बैक्टीरिया को आप ड्राई कर सकते हो उसको हम वेट चेक कर सकते हैं कि एक ट्यूब को कितना वेट मिला है यहाँ पे आपको कितने एम का मिला है तो हम चेक कर सकते हैं वो कितना एम का बैक्टीरिया जो है ये मिल रहा है आपके अलग अलग ट्यूब के अंदर ठीक है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं आपका माइक्रोबियल काउंट जो है वो हम लोग इस तरीके से कर कर सकते हैं ठीक है उज्मा काफी टाइम हो चुका है ग्यारह बजे स्टार्ट हुआ था हमारा सेशन ठीक है भैया ऑलमोस्ट ना अभी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं किरण बच्चा यू हैव टू अटेंड द सेशंस हम कैसे बस कर दें है ना आपको दो घंटे का सेशन चाहिए था शाम को आप लोग दो घंटे का सेशन हुआ था मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे श्वेता तो देखो अगर आपके पास सपोज दस इकोलाय है सपोज एक फ्लास्क में पास दस इकोलाय है तो वो एक एंजाइम बनाएंगे ग्लूको कनेस एंजाइम है, है ना तो वो कितना बनाएंगे हो सकता है दस बैक्टीरिया है तो वो आपका टेन एम जी बना ले होता नहीं इतना आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन एग्जाम्पल एक एक दे रही हूँ अगर आपके इसमें थाउजेंड रहेंगे बैक्टीरिया तो वो क्या करेंगे अभी वो थाउजेंड एम जी बना लेंगे तो वी चेक की कि मेटाबोलाइट्स कितने वहां पे प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं अनई प्रीति ऑप्टिकल अगर आप चेक करोगे ना बच्चा तो आप इतना क्लियरली नहीं बता पाओगे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करना ही पड़ेगा आपको ओडी लेनी पड़ती है ना फाइव सेवेंटी सिक्स थर्टी नाइनोमीटर्स हम ओडी लेंगे आंखों से हम इतना क्लियरली नहीं बता पाएंगे डिफरेंस कितना है बट वेन वी यूज स्पेक्ट्रोमीटर और वैन वी यूज दिस का तो हम एक्जैक्टली रिजल्ट बता सकते हैं ठीक है ठीके? चलो ये मेथड धीरे सभी को कैसे कैसे काउंट कर सकते हैं वी कैन परफॉर्म पोर प्लेट मेथड स्प्रेड प्लेट मेथड इसके बारे में मैंने एक दूसरे सेशन में बताया था प्लीज वो चेक करना जाके यू हैव टू चेक अ सेशन कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे होता है एक मैंने सेशन लिया है इस पर कि पोर प्लेट, प्लेट कैसे परफॉर्म करते हैं स्प्रेड प्लेट कैसे परफॉर्म करते हैं वॉट एग्जैक्टली श्वेता क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट और वाट एग्जैक्टली चेकिंग द टर्बिल यूज कलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और चेकिंग द मेटाबोलाइट हम क्या कर सकते हैं तो हम सेल को लाइसिस कर सकते हैं उनके एंजाइम्स को आइसोलेट कर सकते हैं देन वी कैन चेक कि वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका वी कैन एफिनेटी क्रोमाटोग्राफी ये सब हम चेक कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द सैम्पल्स क्रोमाटोग्राफी यूज़ किया जा सकता है एफिनिटी यूज सकते हैं सिलिकल जल यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा अभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज प्लीज कॉपीज निकालो सारे लोग फार्मूलाज को लिख लो फार्मूलाज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ठीक है एवरी वन टेक योर कॉपीज एंड प्लीज शेयर कर दो सेशन को सबको बुला लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ऐसे डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं गेट की एग्जाम में गेट हो सी एस आर नेट हो आपको डेफिनेटली फार्मूलाज के कुछ क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं ठीक है अभी देखो हम ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है एच पी एल सी इज मेनली यूज फॉर द एनालिसिस पार्ट कैन यूज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड कर्मेटोग्राफी उसको भी हम यूज कर सकते डिफरेंट एल्स वी कैन यूज बट यहां पे हम यूज सकते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं आपके ग्रोथ की तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्रोथ एक फॉमुला होता है पावर एन ये फॉर्मूला के बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है दैट इज वॉट एन टीवल पावर एन यहाँ पे कैपिटल एन का मतलब क्या होता है तो अगर हम बात करते हैं एन टू द पावर जीरो सॉरी एन टू द बेस जीरो की तो इसका मतलब क्या होता है इट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स इनिशियल जो था ना वो रहेगा आपका एन टू द पावर एन टू द बेस जीरो हो सकता है मेरे पास एक फ्लास्क है यहाँ पे ओरिजिनली प्रेजेंट है दस बैक्टीरिया प्रेजेंट है दैट इज द ओरिजिनल नंबर मतलब कि इनिशियली कितना था वहाँ पे तो इनिशियली वहाँ पे आपके दस बैक्टीरिया प्रेजेंट थे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिविजन कितने बार आपने उसको डिवाइड होने को दिया है सपोज उसको मैंने बारह टाइम डिवाइड होने को दिया मेरा स्मॉल कितना आ जाएगा पे इट विल बी नाउ है ना मैंने क्या किया उसको मैंने एक बार डिवाइड होने दिया दो बार होने दिया तीन बार होने दिया चार ऐसे में बारह टाइम तक उसको मैंने डिवाइड होने को दे तक दिया था वहां पे आपका जो एन टी होता है ये होता है कि आपके जब दस ओरिजिनल प्रेजेंट थे वो जब बारह बार डिवाइड हुए उसके बाद कितने बने हैं वो रहता है आपका एन टी मतलब क्या तो इट इज द नंबर ऑफ करंट पॉपुलेशन एन टू एन टू देश जीरो क्या था इनिशियल पॉपुलेशन था उसको हमने बार बार डिवाइड होने दिया है और अभी जितने नंबर बनते हैं हमारे बैक्टीरिया के वो कहलाता है आपका एन टी ठीक है तीनों वर्ड्स क्लियर है ये वाले प्लीज कंफर्म एन एन जीरो समझ गया है एन जीरो क्या तो ओरिजिनल कितना था स्मॉल एन का मतलब क्या है तो हमने उसको कितने बार डिवाइड होने दिया है और अगर हम बात करते हैं एन टी के मतलब आफ्टर डिविजन कितने बैक्टीरिया बने हैं वो कहलाता है आपका एन टू द बेस ठीक है सर फीए टू एवरी वन प्लीज कंफर्म ये तीन समझ गए आप लोगों को ओके चलो अगर तो हम इसकी बात करेंगे तो इसका हमारा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा एन कितना आ जाएगा ओरिजिनल हमारा कितना था दस था मल्टीप्लाई करना है इन टू 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 द पावर एन एन की वाली कितनी है बारह है सॉल्व कर लो इससे तो आपका आंसर आ जाएगा इसको टेन इंटू टू द पावर ट्वेल्व होता है आपका फोर जीरो नाइन सिक्सर विलचुअली फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो करंट सेल पॉपुलेशन ये है आपका करंट सेल पॉपुलेशन उसमें आपको चेक करना पड़ेगा बच्चा कि उसके लिए बैच अभी लॉन्च कर रहे हैं क्या ठीक है एंटी फ्रैक्शन मतलब क्या नहीं फ्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे आपको तो एग्जैक्टली नंबर्स में मिलेंगे सारे आंसर्स फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे कोई भी ठीक है श्वेता अगर कुछ बैच लॉन्च होता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे इसी इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा कोई ना कोई अगर आईसीआर की कोई न्यू बैच आ रही होगी अभी तो बिकॉज जहाँ तक आई नो गेट की बाच आ रही है आपके गार्ड वगैरह की बचेस आ रही है सी नेट की बात आ रही है आई सी वगैरह की भी बैचेस है बट आई uh, का आई जस्ट हाउ टू चेक वंस ठीक है तो ये तो इस तरीके से आप निकालते हो आपके एन की वैल्यू ठीक है अभी एन कैसे निकालते हो तो हमें पता है एन का मतलब है करंट पॉपुलेशन एन जीरो का मतलब होता है आपका इनिशियल पॉपुलेशन और आपका जो भी टू टू तो द तो पावर एन है एन रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ डिविजन को एन ट्वेल्व कैसे आया तो एन ट्वेल्व आपको मैंने बताया था ना कि हम उसको बारह बार डिवाइड कर रहे हैं आई टोल्ड यू कि उसको हमने ट्वेल्व टाइम्स डिवाइड किया है प्रीति ठीक है कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग अगर आप उसको चार बार डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा चलो मैं आपको एक और बता देती हूँ यहीं पे इनिशियल पॉपुलेशन इज टेन दैट इज एन जीरो जो है ये दस है उसको मैंने किया है सिर्फ चार बार डिवाइड किया है तो मैंने चार बार डिवाइड होने का मौका दिया है तो अभी क्या हो जाएगा एंड टी इक्वल टू इनिशियल कितना था दस था इन टू टू मतलब तो, तो आंसर लो लो जो भी आपका आंसर आएगा वो रहेगा या बिल्कुल देंगे आपको कितने बार जनरेशन कितने जनरेशन हुए हैं आपको डेफिनेटली बताएंगे प्रीति वो क्वेश्चंस ठीक है इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना होता है, कुछ भी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं के सब दिया होता है क्वेश्चन में एन जीरो निकालोगे यू नो कि आप नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालोगे बट हम इसको कैसे निकाल सकते हैं अगर मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ डिविजन कितना है तो ये हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं अगर आपको एन चाहिए है दिस इज एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो इन टू 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 द पावर एन यहाँ तक की बात हमने कर ली थी है ना ये बात हम लोग ने कर ली कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ है अब हम बात करेंगे कि हमको अगर ये वाला स्मॉल एन निकालना है अगर हमें ये वाला स्मॉल एन चाहिए है तो इसको आप कैसे निकालोगे तो पहली बात यह है कि उसको हम नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे है ना उसको नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे वो कैसे करते हैं तो हम वहाँ पे भी यूज करते हैं आपके यूज यूज करते हैं वी ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए कैसे यूज करेंगे आप तो हम लॉग लगाते हैं ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग एन टी इज इक्वल्स टू लॉग एन जीरो मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एडिशन हाँ, आपका मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा आई एम वेरी सॉरी जब आप यूज करते हो ना बच्चा तो मल्टीप्लाई बिकम्स एडिशन एंड आपका एन नीचे आ जाएगा यहाँ पे ठीक है ये आपके मार्च का थोड़ा सा स्टेप है थोड़ी आपको चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पे अगर आप किसी का लॉग निकालने की कोशिश कर रहे हो ठीक है आप जैसे पे दिया गया आप सपोज थ्री एन दिया होता अगर थ्री एन दिया होता तो इसको हम कैसे लिखते इसको हम क्या लिखते फिर एन लिखते हैं। उसके बाद में उसको हम लोग लॉग थ्री लिखते हैं This is how it's written actually. ठीक है ये गिवन फैक्ट है हम इसको हमने बस उसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लेके आ जाएंगे इस तरफ में तो क्या हो जाएगा अभी आपका आ जाएगा अभी आपका लॉग एन टी ये तरह आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इतनी मैथ्स हमको आती है कि अगर वो साइज शिफ्ट uh, हो रहा है तो हमारा वो वैल्यू भी माइनस में आ जाएगा दैट इज लॉग एन जीरो हमको सिर्फ एन की वैल्यू जाननी है तो हम क्या करेंगे अभी लॉक टू को भी इस तरफ लेके आ जाएंगे तो आपका एन कहलाएगा अभी लॉग एन टू द बेस टी माइनस लॉग एन टू द बेस जीरो डिवाइडेड बाय लॉग मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे आके वो डिवाइड करेगा यहाँ पे वो एड कर रहा था तो यहाँ पे आके वो माइनस करता है ठीक है ये एक हमको बेसिक चीजें पता होती है और मुझे पता है लॉग टू की वैल्यू क्या होती है तो लॉक टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन सो मेरा यहाँ पे आ जाएगा अभी लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन टू एन तो आपका ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेश अगर आपको सिर्फ ये yes, वहां पे वर्चुअल मिल जाएगा आपको आपके कंप्यूटर पे होता है साइड में कैलकुलेटर ठीक है हाँ. तो अगर आपको निकालना है कि करंटली नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं तो हम यूज करते हैं आपका ये वाला फॉर्मूला अभी सेल्स कितने पता करने के लिए हम ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे बट अगर हमको दिया होगा सपोज एन टी गिवन है एनजी गिविर आपको ये वाला एन निकालना है तो हम लोग वहां पर फिर ये वाला फॉर्मुला यूज़ करते हैं कि आपका जो भी नंबर ऑफ जनरेशन कितना है उसको निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है टू प्लीज बहुत जरूरी है ठीक है चलो तो यहां तक की बात समझ में आई क्या बच्चा प्लीज कंफर्म इज इज क्लियर इज इज क्लियर टू एवरी वन यस नो कुछ करो रिस्पॉन्ड ओके okay, उसके बाद में एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट वो होता है आपका नंबर ऑफ जनरेशन पर टाइम ठीक है कितने जनरेशन आ रहे हैं आपकी स्पेसिफिक टाइम में वो रहता है आपका ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट होता है N T. N T लिखते हैं हम लोग इसे अभी एन की वैल्यू हमको पता है एन मतलब क्या है जन मतलब तो ये होता है ना दिस इज योर एन तो सिर्फ के निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमने पूरा को लिखा है गेट में भी पूछते हैं सेट में भी पूछ सकते हैं ठीक है आर वेरी तो हमें निकालना है सपोज नंबर ऑफ जनरेशन हम यूज करेंगे आपके इस फॉर्मूला को अगर हमें निकालना है ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट तो हम यूज करेंगे आपके ये फॉर्मूला को दैट इज के इज इक्वल फार्मूलामूला हम यूज करेंगे यहाँ पे जिससे हमको हमारा आंसर जो है ये मिल जाता है उसके बाद में अगर आपको निकालना है सपोज नंबर ऑफ सेल्स करेंटली तो हम लोग वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करते हैं हम तो लोग तो तीन फार्मूलाज पढ़ लिए हैं लिख लो उसको कॉपी में आपको क्वेश्चन सोल्व करते हो यही फार्मूला यूज करना है ठीक है लिख लो आप लोग एंटी का फॉर्मूला लिख लो एन का फॉर्मूला लिख लो और आप लोग ये फॉर्मूला भी नोट कर लो दैट इज ग्रोथ रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला ठीक है नोट कर लो तीनों भी शेयर द सेशन नोटेड ठीक है चलो डन नाउ लेट्स मूव एक और चीज आपका टी मतलब क्या है टी इज द जनरेशन टाइम मतलब कितने बार डबल हो रहा है, है ना कितने बार जनरेशन टाइम तो हम इसको ना इंटर रिलेटेड भी यूज करते हैं टी और जी सेम होता है टी का मतलब टाइम पीरियड की बात कर करें ना कितने बार कितना टाइम लग रहा है उसको मल्टीप्लाई और टू टू लाइक गेट मल्टीप्लाइड कि दो में बन जाए दो सेल्स बन जाए उसके तो उसी को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम उसी को हम बोलते हैं डबलिंग टाइम सो वी यू समाइम्स की सेम ही चीज रहेगी वो ठीक है तो अगर हमको एक फॉर्मूला निकालना होता है वी हैव टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द द के एंड जी दैट इज बिटवीन द ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट एंड द जनरेशन टाइम ठीक है ए का मतलब क्या है ए का मतलब होता है आपका ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट एंड जी का मतलब होता है आपका जनरेशन टाइम हम कैसे निकालते हैं इसे हम क्या लिखते थे फॉर्मूला में के इज इक्वल्स टू क्या था हमारा के इज इक्वल्स टू लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो डिवाइडेड बाय टी ये formula था उसी को यूज किया है मैंने वहां पे इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है अब अगर मैं आपको ये बोलूँ की एक बार हमारा सेल डिवाइड हो चुका है अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि हमारा डिवाइड हो चुका है इसका मतलब क्या है इनिशियली अगर वहाँ पे दो सेल्स अभी कितने हो रहा है डबल मतलब मतलब हो, हो, हो रही है चीजें राइट right. चीजें जो है ये डबल हो रही है मतलब क्या तो अगर इनिशियल आपका सेल एन जीरो था इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेल वॉज एन जीरो आफ्टर डुप्लीकेशन क्या हो जाएगा ये टू एन जीरो हो जाएगा हर जगह अगर आप टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो चीजों को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी इसको भी हम लोग टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो वही यूज किया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिखा था ना आपका लॉग एन टी एन टी का मतलब क्या होता है अभी कितना है तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियली आपका एन जीरो था तो नाव इट विल बी ट्वाइस एन जीरो नाव इट विल बी ट्वाइस एन जीरो हम सोल्व कर सकते हैं अभी इसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से उ टू सोल्व दिस पर्टिकुलर थिंग समझ में आया हमने टू एन जीरो क्यों लिया है क्यों आया है? समझा आपको वाइस एन जीरो क्यों आया है बच्चा समझा आप लोगों कोस और नो ठीक है ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम लोग अभी है ना लॉक टू इन टू लॉग एन जीरो माइनस एन जीरो सॉरी हम लोग प्लस लिखेंगे ना डिवाइड बाय क्या आ जाएगा भी आपका जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन इन टू थ्री प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका लॉग टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन इंटू जी बेस में ये सॉरी राइट लॉक टू की वैल्यू कितनी होती है लॉक टू की वैल्यू भी तो यही होती है जीरो पॉइंटेड बाई जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन इन टू जी सेम सेम कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका के इज इक्वल टू वन अपॉन जी ठीक है इसका मतलब क्या है ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट और जनरेशन टाइम का होता है इनवर्स रिलेशन ठीक है जनरेशन टाइम और ग्रोथ रेट का होता है इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या सपोज इमेजिन करो कि मेरे पास दो बैक्टीरिया है मेरे पास एक बैक्टीरिया है जो दस मिनट लेता है टू मल्टीप्लाई है ना वो दस मिनट लेता है टू मल्टीप्लाई मेरे पास बैक्टीरिया बी है जो लेता है सपोज फोर्टी मिनट्स टू मल्टीप्लाई जनरेशन टाइम है फोर्टी मिनट मुझे बताओ कौन फास्ट ग्रो हो पाएगा ए या फिर बी कौन सा गुड ए को लगता है दस मिनट मल्टीप्लाई एंड बी को लगते हैं चालीस मिनट टू मल्टीप्लाई तो कौन फास्ट ग्रो होगा ए फास्ट ग्रो होगा प्रीति यस यू आर राइट मतलब ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट इसका ज्यादा होगा इसका ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट है है ना तो ग्रोथ रेट कॉन्सटेंट इसका ज्यादा होगा और जिसको जनरेशन टाइम हमको ज़्यादा लग रहा है उसका ग्रोथ रेट जो रहेगा ये काफ़ी कम होगा क्योंकि तो उसको चालीस मिनट लगेंगे टू कंप्लीट वन जनरेशन टाइम तो आप वैसे भी याद रख सकते हो के और जी का जनरेशन रहता है वो इन्वर्स रहता है जो जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगा वो जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा ना no, सॉरी वो, वो कम टाइम में रहेगा जिसका ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगा वो कम टाइम लेता है टू मल्टीप्लाई जिसका ग्रोथ रेट काफी कम रहता है वो काफी ज्यादा टाइम लेता है टू मल्टीप्लाई ठीक है ये समझ सबको एक और रिलेशनशिप होता है आपका k 1 g दिस इज क्लियर टू एवरीवन प्लीज कंफर्म यहां तक की बात समझ गई आप लोगों को ठीक है चलो गुड ग्रेट चलो यस 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 ओके गुड एक और होता है फॉर बायोमास अभी देखो मुझे पता था कि प्लेट में बीस कॉलोनी से तो मैंने बता दिया कभी कभी क्या हो जाएगा प्लेट में इतनी कभी अगर बस पास ब्रॉथ है, है ना आप कॉलोनी काउंटिंग कब कर सकते हो जब आपके पास में प्लेट रहता है आप काउंट कर सकते हो कि चलो दस बैक्टीरिया थे अभी बीस हुए हैं तो वी कैन यूज द नंबर्स एन टी कितना था एन जीरो आई कैन से एन जीरो सपोज पांच था एन टी जो है ये पचास हो चुका है मैं कर सकती हूँ बट कभी कभी क्या हो जाता है वी आर नॉट एबल टू काउंट द बैक्टीरिया हम बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर पाते तो हम क्या करते तो हम बायोमास को यूज करते हैं ठीक है इन दैट केस वी यूज द बायोमास एंड बायोमास का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है दैट इज म्यू इन टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ

नोट ऑन दिस फॉर्मूला एज वेल इसको भी नोट कर लो आप लोग फॉर्मूला नोट किया आप लोगों ने लिख लो इस फॉर्मूला को भी ठीक है अभी जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था यहाँ पे भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि अगर डबलिंग हो चुका है तो क्या वो लिखेंगे हम लोग एक्स जीरो का क्या हो जाएगा फाइनल अभी टू एक्स जीरो हो जाएगा इसको हम कैंसिल कर देंगे तो म्यू इन टू टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ टू एज ठीक है राइट दिस इक्वेशन एज वेल इन योर कॉपी तो ये हमने कुछ इक्वेशन डिराइव किए हैं जो आप लोगों को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी से आप लोग सारे आपके गेट के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे आपके गेट सी एस में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स से चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे ठीक है आप हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे द क्वेश्चन इज इफ आई स्टार्ट विथ वन बैक्टीरिया मेनी बैक्टीरिया विल आई हैव बाय जनरेशन फोर मतलब क्या है एन जीरो दिया है इन्होंने एन जीरो इज वन और क्या दिया है उन्होंने जनरेशन कितना है चार हो रहा है लगाओ फॉर्मूला क्या आएगा इसका आंसर बताओ जल्दी से एंटी की वैल्यू निकालनी है एंटी का मतलब क्या होता है एंटी कैसे निकालते हो ओके आई गॉट वन आंसर सिक्सटीन एन टी कैसे निकालते हैं बच्चे हम लोग एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसको आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हो तो इसको मल्टीप्लाई टू द पावर एन मल्टीप्लाई टू द पावर एन एन जीरो मेरा है वन यहाँ पर आ जाएगा टू टू दावर फोर ऐसा आ जाएगा ठीक है यस सोईबा आरती एंड गुड गुड वेरी गुड भाग भट सबसे yes, yes, right, तो भी पूछते हैं जो एकदम ईजी पीसी तो कुछ नहीं होता आपको उसे फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है एंड येस यू कैन फाइंड योर आंसर ठीक है समझ में आ गया सभी को सेशन एज वेल आईक एंड शेयर कर दो सेशन को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरी वन अगल स्टेम सेल अंडर गोज फिफ्टीन ऑसीमेटिक सेल डिजन्स नंबर ऑफ स्टेम सेल एट द एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यही है।, है गलत नहीं करना तो आपको मैं ये आंसर बता देती हूँ एक्चुअली ये आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर हम बात करते हैं आपके असिमेट्रिक सेल डिजन की तो यहाँ पे क्या होता है एक स्टेम सेल रहेगा और उससे क्या बनेगा तो उससे एक तो बनता है नॉर्मल सेल और एक बनता है स्टेम सेल ठीक है जब आपका होता है सेल का असिमेट्रिक डिविजन होता है ओके श्वेता नेक्स्ट लेक्चर में और हम बड़ा पॉइंट लेके आते हैं ठीक है वेरी सॉरी अगर हम बात करते हैं आपके स्टेम सेल की तो स्टेम सेल में क्या होता है कि आपका एक बनता है स्टेम सेल और एक ही बनता है आपका डिफरेंशिएटिंग सेल बन जाएगा अगर हो रहा होगा सिमेट्रिक डिवीजन हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा हमको मिलेंगे वहां पे दो स्टेम सेल्स मिलते हैं बट तो अगर हम बात करते हैं आपके असिमेट्रिक सेल डिवीजन की तो यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे आपको मिलता है एक स्टेम सेल और एक मिलता है आपको डिफ्रेंशिएटिंग सेल नहीं 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 उतना बड़ा नंबर नहीं आएगा बच्चा ठीक है उतना बड़ा नंबर वहाँ पे नहीं आएगा नहीं आएगा उतना बड़ा नंबर बिकॉज एक ही आपका बन रहा है स्टेम सेल और एक जो बन रहा है वो बन रहा है अभी आपका नॉर्मल सेल बनेगा ठीक है एक बन रहा होगा आपका स्टेम सेल और एक बन रहा होगा अभी आपका एक नॉर्मल सेल ही वहां पे फॉर्म होता है केस ऑफ योर असिमेट्रिक सेल डिविजन जस्ट अ सेकेंड तो बताओ अभी इस लॉजिक से क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को वॉट कैन बी द करेक्ट आंसर ही यस यस yes, yes. एक आपका डिफाइंड सेल बन जाता है और एक आपका स्टेम सेल रहता है नंबर ऑफ स्टेम सेल्स एट द एंड चलो ये आप लोग कल करके कर आओगे इसको हम कल कर डिस्कस करते हैं ठीक है ठीके? ये स्टेम से आप लोग थोड़ा सा कल पढ़ के आना कि सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या होता है इसके बाद हम लोग कल कर करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इजी है इंटरेस्टिंग है अच्छा बताओ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे या आज करना है क्वेश्चन कल देखते हैं या आज देखना है इफ़ यू आर टायर्ड वी कैन कंटिन्यू टूमोरो एज वेल नो वरीज हुँ? कल फराने से कल ठीक है कल फिर शर्त है कल ग्यारह बजे डॉट आपको सबको ज्वाइन करना है ठीक है कल हम एक काम कल हम पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कल का टॉपिक टुमारो कोई बात नहीं यू माइट बी टायर्ड हमने इतना सारा डिस्कस ना क्योंकि एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है फिर नहीं होती है पढ़ाई इट्स ओके इट्स ओके नो वरीज ठीक है कोई बात नहीं ठीक है श्वेता सो ठीक है सो आई जस्ट एंड द सेशन कोई बात नहीं तो ठीक है थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन कल तो आप इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे सेशन की ठीक है कल हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन और फिर हम लोग के मेरे पास कुछ चार से पांच क्वेश्चन है जो हम कल पहले प्रैक्टिस कर लेंगे आपको रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला पढ़ के आना है एक बार फार्मूला कैसे आया था क्या कैसे कैसे लिया हम लोगों ने एंड देन हम लोग कल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कल तो छुट्टी है ना कल संडे मंडे को ठीक है बहुत टाइम ऑफ कॉल मंडे तक आप लोग की कैनेटिक्स पढ़ो एक बार प्रॉपरली फार्मूलाज देख लो क्या क्या है एंड देन हम लोग मंडे को पहले फो, फो, ये क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस फिर हम लोग आगे का पढ़ेंगे ठीक है मोस्ट वेलकम एवरी वन सो येस हैव अ ग्रेट वीकेंड कल वीकेंड है तो बिल्कुल आप इन्जॉय भी करो पढ़ाई तो करनी ही है आपको बट थोड़ा बहुत कल घूम फिर भी सकते हो वीकेंड पे थोड़ा बहुत चलता है ठीक है तो यस हैव अ ग्रेट डे एवरीवन टेक केयर हैप्पी लर्निंग टू ऑल ओके बाय बाय टेक केयर एवरीवन